जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए रहती है कि क्रैक करना है एग्जाम तो ऐसे ही टीचर्स के लिए मोटिवेशन है आपके रिस्पॉन्स के यू गाइज लर्निंग समथिंग अगर ये सारी चीजें एक दिन में हो जाए मेरा डे आइडियल है कभी सोचा है ट्रस्ट मी मैं बता देती हूँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिव एग्जाम की तैयारी करो गंगा जाए गंगा दास जमना जाए जमना वो वाला मुहावरा है ना तो वो वाटर पे अच्छे से अप्लाई होता है स्वागत है आप सबका हमारे क्लास इलेवंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इक्लेब्रियम के वन शॉर्ट वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं ए टू जेड कैमिकल एज वेल एज आइनिक इक्लेब्रियम की बात एंड जानेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो विदाउट इवन जिससे सबको ज्यादा बट जैसे ये बना पर, ऐसे ही हम एकब्रियम की बात करने वाले हैं पूरे इस सेशन में बट पहले हमारा काम है इसको समझने का बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसी

इसने एक पॉइंट पे आके बैलेंस कर लिया है वो दोनों साइड नहीं गिर रहे अदरवाइज तो वो इधर उधर गिरता डॉग्स कितने क्लमजी होते हैं वी नो दैट अब सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि वट आर वट इज एकब्रियम एकम को समझने के लिए ये सोचो कि आप अभी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी कर रहे होंगे बोर्ड की तैयारी तो कर रहे अभी 11th हो अभी इलेवेंथ क्लास में आए हो एंड साथ के साथ कोई ना कोई गोल तो होगा कि मुझे नीट क्रैक करना है या मुझे अपना जेई एग्जाम क्रैक करना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो तो मोस्टली पॉइंट ऑफ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि मैम आई डोंट नो हाउ टू बैलेंस दीज दो दीज टू थिंग्स कि पहले मैं अपने बोर्ड्स पे फोकस करूं जब मैं बोर्ड्स पे फोकस करता हूं तो मेरी कोचिंग की सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो सारी स्टडीज़ हैं वो रह जाती हैं बट अगर कॉलेज में मैं अपने पूरी कोचिंग पे अपने फोकस कर लेता हूं तो मेरे सारे क्लास के काम में बैकलॉग आ जाता है सो so कब सॉर्ट आउट होगा ये जब आप चीज़ें सॉर्ट आउट ऐसे करोगे कि दोनों बैलेंस रहे इस वे में अपना टाइम टेबल बनाओगे है ना तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा बट अगर एक आप टाइम टेबल बना भी लेते हो तो वो कितना टाइम चलता है पहले तो बहुत एनर्जेटिक रहते हो बट क्या वो टाइम टेबल आप हफ्ता हफ्ते से ज्यादा महीने के छः महीने सेम टाइम टेबल फॉलो कर पाते हो नहीं होता ना समटाइम्स आप बीमार हो जाते हो समाइम कोई फंक्शन आ जाता है घर में शादी हो गई है या स्कूल में एग्जाम्स आ गए तो स्कूल पे ज़्यादा फोकस कर लिया कोचिंग की अभी डेट आ चुकी है जैसे अभी नीट एंड जेट दोनों की डेट्स रिलीज हो चुकी हैं सो तो आपका फोकस क्या होगा कि अभी कोचिंग पे फोकस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स तो हो गए है ना सो so, अब यहाँ पर बैलेंस ढूंढना एक बहुत ही ट्रिकी टास्क बन जाता है तो बस वो जो बैलेंस है इक्लिब्रियम में वही है हमारे पास इक्ब्रियम का मतलब जो है टू तो बी इन उक्लिब्रियम इज टू तो बी इन स्टेट ऑफ बैलेंस तो जब कोई केमिकल रिएक्शन में ऐसा बैलेंस आ जाए जब हम इसमें बात करेंगे बैलेंस की तब हम क्या अटम यूज़ करने वाले हैं इक्िब्रियम जैसे ये डॉग ने बैलेंस कर लिया है वो वाला बैलेंस अलग है जिसपे हम दोनों साइड कुछ ना कुछ वेट डाल के चीजें मेजर करते हैं ठीक है तो ऐसे हम पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इक्लिब्रियम्स की ये कुछ इक्लिब्रियम्स ऐसे होते हैं जो स्टैटिक हैं कुछ इक्लिब्रियम ऐसे हैं जो डायनेमिक हैं इन टर्म्स को समझेंगे कि क्या होता है वन बाय वन लेट्स अंडरस्टैंड सम मेन पॉइंट्स अबाउट इक्लिब्रियम जैसे क्लास में नया बच्चा आता है तो इंट्रोडक्शन होती है तो सोचो ये नया टॉपिक आया है तो इसकी इंट्रोडक्शन हमें करनी है नेक्स्ट इज एकब्रियम कैन बी स्टेटिक और डाइनामिक स्टैटिक क्या रहता है जो चीज़ रुकी रहती है ठीक है जो एक पॉइंट पे है आपने क्या करा जैसे मैंने क्या करा ये पेन है तो मैं इसको ऐसे टक कैसे रख लूँ शायद ये ऐसे गिरता शायद ये इधर भी गिरता तो मैंने इसे क्या कर दिया अरे सो so मैं इसे बैलेंस कर रही हूँ सो so ये शायद बैलेंस हो गया बट अब ये टिका हुआ है वहाँ पर है ना थोड़ा टाइम लगा मुझे एडजस्ट करने में बट अब ये वहाँ पर टिक गया सो so ये इसने एक अक्लिब्रियम की स्टेट ऑप्टेन कर ली है ओके okay, ये इसने क्लिब्रियम की स्टेट ऑप्टेन कर ली है स्टैटिक का मतलब अभी वो वहीं पर है वो वहां से हिलेगा नहीं दैट इज स्टैटिक अब व्हाट अबाउट डायनेमिक डायनेमिक का मतलब क्या है कि स्टेट तो एक की अचीव हो गई है बट रुक नहीं रही चीजें आप नीट की तैयारी आप जेई की तैयारी कर रहे हो बट साथ के साथ आपके बोर्ड के एग्जाम की भी तैयारी चल रही है अब दोनों की तैयारियां रुक नहीं रही आपने बैलेंस ढूंढ लिया है मुझे पता है कि बैलेंस कैसे ढूंढना बट वो एक अलग टॉपिक है जिसकी आई कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन बट यहाँ पे नहीं हाँ तो अब आपने बैलेंस ढूंढ लिया है कि हाँ मुझे इतना बोर्ड का करना है इतना मुझे करना है अपना नीट के एग्जाम का या कॉम्पिटेटिव किसी भी एग्जाम का सो so, अब वहां पर चीज़ें रुक नहीं रही चाहे क्लिब्रियम पे है आप बोर्ड की भी उतनी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हो जितना आप कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ठीक है सो so, अब वहाँ पर जो बैलेंस है जो इक्लिब्रियम है वो डायनेमिक है यहाँ पर चीज़ें रुक गई थी जैसे वो सी शो वाली गेम भी आप प्ले गार्डन्स में होती है ना तो वहाँ पर भी वो एक पॉइंट पर आप ट्राई तो करते हो ना कि एक पॉइंट पर रुक जाए दोनों ऊपर नीचे होते हो तो बस ऐसा ही है वो है डायनेमिक और स्टैटिक का डिफरेंस समझने के लिए डायनेमिक होगा जो हमेशा मूव करता रहता है मतलब अगर मैं केमिकल रिएक्शन की टर्म में बात करूं तो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट्स बना रहा है तो वहाँ पर ये रुक नहीं रहा ये अब रुक नहीं रहा है एक साइड से रिएक्टेंट भी उतने ही बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जब इक्लेब्रियम की स्टेट ऑप्टेन हो चुकी है फिर मैं उसको कैसे शो करती हूँ आई शो इट लाइक दिस और कुछ भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में रिएक्शन अभी स्टार्ट ही करा तो थोड़ी जल्दी क्लिब्रियम आ गया तो रिएक्टेंट की साइज ज्यादा है अभी रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट कम बने हैं फिर भी क्लिब्रियम आ गया या दूसरा क्या हो सकता है कि मेरे रिएक्शन पे साइड से पूरा होते होते कंप्लीशन ऑलमोस्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं रिएक्टेंट साइड कम है एंड क्लिब्रियम अचीव हो गया तो वो भी पॉसिबिलिटी है या दोनों ही इक्वल इक्वल अमाउंट मतलब जितना रिएक्टेंट यूज हो गया उतना ही प्रोडक्ट उधर बना अभी मिडल में है फिर भी एक्लिब्रियम अचीव हो सकता है ठीक है ये सारी बेसिक अभी इंफॉर्मेशन उनके आइडियाज दे रही हूँ अनदर थिंग इज एक्लिब्रियम में दोनों रिएक्टेंट प्रेजेंट रहते हैं प्रोडक्ट्स एंड कंसेंट्रेशन चेंज नहीं करती बता दिया ना मैंने कि आपकी जो प्रोडक्ट है जब रिएक्टेंट्स हैं दोनों ने एक स्टेट अचीव कर ली वो अब चेंज नहीं होगी वो अब चेंज नहीं होगी ठीक है मतलब अगर सपोज आपकी बैलेंस फाइंड करने की जब आपने स्टडी करना शुरू करा आपके पांच चैप्टर हो गए हैं फिजिक्स के पांच चैप्टर केमिस्ट्री के है ना एंड पांच ही चैप्टर बायोलॉजी के तो चाहे पढ़ना आप सबका पढ़ रहे हो बट सबके नंबर जो हैं वो सेम रह रहे हैं जब आप बात कर रहे हो बैलेंस की जब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो नीट की तैयारी कर रहे हो तो एक पॉइंट पर दोनों की तरफ सेम चैप्टर ही स्टडी हो रहे हैं तो न, नंबर जो है वो दोनों का दोनों ही प्रेजेंट है दोनों साइड दोनों के चैप्टर्स प्रेजेंट हैं दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बट उनको चेंज कैसे नहीं आ रहा ऐसा नहीं होगा कम ज़्यादा होगा ओके okay? सो so, ये है और पता है क्या है बोथ दी अपोजिंग फोर्सेज अक्कर एट सेम टाइम डायनेमिक रहती हैं बट स्टेबल वो डायनेमिक होंगी मूव करती रहेंगी बट वो एक क्लिब्रियम की कंडीशन अपटेन कर लेंगी और साथ में मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ तभी ऑब्जर्व हो सकता है जब एक पर्टिकुलर प्रेशर हो टेम्परेचर हो रिएक्शन की कंडीशन जो हो वो मैंशनड हैं ऐसा नहीं होगा कि किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे वो कंडीशन फॉलो होती रहेगी जैसे अगर आपका वो बैलेंस्ड है अगर आप पूरा बैलेंस करके पढ़ रहे हो कर रहे हो सारी तैयारी वो तभी तक चल रही है जब तक आप बीमार नहीं हो रहे जब तक आपका कोई शादी नहीं आ रही सगी बहन की शादी आ गई है भाई की आ गई है फिर तो ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होगी ना या घर में कोई बहुत बड़ी बात हो चुकी है उसकी वजह से या रीलोकेट करना पड़ रहा है तो वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर से आपको एक खराब हुआ ना वो स्टेट डिस्टर्ब होगी सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और यहाँ पर हमारे पास मैं नाम लिख देती हूँ यहीं से हमारा आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात यहीं से होती है ओके यहीं से होगी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैसे ये एक्सटर्नल फैक्टर हमारे इक्लिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं और कैसे ये प्रिंसिपल बताता है कि हम डिस्टर्ब होने नहीं देंगे मतलब आप शादी में बैठकर भी आप यही सोच रहे होंगे कि नहीं यार मुझे पढ़ना था आज चैप्टर ख़त्म करने थे दो है ना सो so, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना ये उसकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं अब ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिमेन कॉन्स्टेंट जो मैंने अभी बता दिया आपको एंड इक्लिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम अ गिवन टेम्परेचर इसको समझते हैं कभी आपने घर में अभी तो जैसे सर्दियों का मौसम आने वाला है एंड आई लव विंटर्स तो जैसे पानी गर्म करना शुरू करा पानी से क्या हुआ भापें निकल रही हैं है ना सो so, यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ से स्टीम निकल रही है एंड मैंने कुछ नहीं कवर करा स्टीम निकल गई खाली हो जाएगा बर्तन मम्मी छोड़ के चली गई गैस पे और शायद आप टीवी देखने लग गई या कुछ हो गया भूल गए कि गैस पर पानी रखा हुआ है अब वहाँ पर सारा पानी क्या करेगा इवेपोरेट क्योंकि आपने कुछ कवर नहीं करा ऊपर से अब ये ओपन सिस्टम है थर्मोडाइनमिक्स जाकर देख लेना उसका भी वन शॉट ठीक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दो ऐसे चैप्टर है जो हमेशा साथ में आते हैं और नाइटमेयर की तरह आते हैं केमिस्ट्री के के बच्चों के क्लास बच्चों लिए अब इसको मैं कवर कर देती हूं विद एक ढक्कन से कवर कर दिया तो आपने देखा होगा जब ढक्कन उठा के देखते हो तो उसके दूसरे एंड पे ना छोटी छोटी ड्रॉप्स लगी रहती हैं छोटी छोटी ड्रॉप्स लगी रहती हैं ये छोटी छोटी जो ड्रॉप्स है ना ये क्या करती हैं ये पानी जो स्केप करके निकला एनर्जी सारी यूज़ कर ली बाहर निकलने में बट ऊपर जाके रास्ता बंद अब जब ऊपर जाके बंद है तो वो क्या करेगा वापस आके गिरेगा तो वापस बीच में आके गिरता है बट वापस जैसे जैसे होता है वो वेपर्स बन गया वापस पानी स्टेट में आ गया वो फिर से लिक्विड लिक्विड से वेपर तो ये जो लिक्विड से इसका गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है वो ऐसे साइकिल की फॉर्म में चल रहा है बट वो कब चला जब मैंने इसको ढक दिया जब ये कवर्ड नहीं था वो ओवेपोरेट करता जाएगा तो क्लोज सिस्टम इज अ मस्ट कंडीशन फॉर एक्लिब्रियम टू हैपन किसी भी रिएक्शन का एक्लिब्रियम ऑब्जर्व करते हो तो वो एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए ठीक है क्लोज सिस्टम होना चाहिए अब डायनेमिक एक्लिब्रियम की बात करते हैं तो ये फेस ट्रांजिशन जब होती है ये सारी स्टेट्स का अब ये वन शॉट वीडियो में तो मैं एक में कंपाइल करके बता रही हूँ हम ये भी कर सकते थे सॉलिड टू लिक्विड उठा लें पहले लिक्विड टू गैस उठा लें तो अब सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल क्या माइंड में आती है जब हम स्टेट चेंजेस की बात करते हैं सबसे ईजी एग्जाम्पल है आइस आइस पाइस गेम भी तो है ना एक आइस वाटर अरे सिंगर का नाम है <laughs> तो यहां पर गैस क्या है वेपर्स ये क्या है वेपर्स बन गई वाटर है आइस तो जब एक पॉइंट अचीव हो जाता है जैसे ही वाटर एंड वेपर्स में अभी मैंने जब बॉयल कर रहे थे जब मैंने बॉयल करना शुरू करा यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही थी ना अरे सॉरी यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रही थी ये वाली यहाँ पर क्या है वेपराइज हो रहा है तो वो वेप लिक्विड एंड गैसी स्टेट में एकिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया वो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे आकर वो रुक जाता है वहाँ पर एंड जब वो रुक जाता है सो मेरे पास क्या आता है एक एक्ब्रियम की स्टेट जो रुका है मतलब आपको लग रहा है कि रुक गया बट एक्चुअल में वो डायनामिक है सेम सॉलिड टू गैस आते हैं तो कौन सा प्रोसेस रहता है सब्लिमेशन होती है बट वहां पर भी इलिब्रियम होगा सेम गोज विद जब आइस मेल्ट करती है मेल्टिंग पॉइंट आता है अगर लिक्विड वापस जा रहा है सॉलिड में फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है तो वो हमेशा उस पॉइंट पे एक इक्लिब्रियम बना रहता है दोनों स्टेट्स के बीच में वो है ये दोनों साइमल्टेनियसली होते रहते हैं मेल्टिंग भी हो रही है फ्रीजिंग भी हो रही है जब उनके बीच का एक बैलेंस आ गया तब वो हमारा पॉइंट आ जाता है इक्लिब्रियम में बोलते हैं दी दस अक्कर एट सेम रेट तो दोनों में क्या मैंने बोला है कि चाहे बन रहा है, चाहे वो रिएक्टेंट है दोनों के बीच में जब इक्लिब्रियम आ गया अब उनमें जो कंसेंट्रेशन के चेंजेस नहीं आएंगे के के होने चाहिए, नंबर डिफर नहीं करते, तभी बैलेंस्ड है वो ठीक है सो so, ये एक हमारे जो नेचुरल प्रोसेस की बात करें या हम फेस ट्रांजिशन की बात करें फिजिकल प्रोसेस में वहां पर येब्रियम ऐसे अप्लाई हो रहा है ठीक है अब इसमें आती है डाइनेमिकलिब्रियम में इसकी डेफिनेशन समझ लो कि एक स्टेट ऐसी आ जाती है जिसमें दोनों जितना आप आगे जा रहे हो उतना ही पीछे आ रहे हो तो वो स्टेट क्या हो जाती है इक्लिब्रियम एक, है एंड वहाँ पर कोई नेट चेंज नहीं है आप वो रोप स्कीपिंग करते हो या आपने कभी जॉगिंग करने गए हो जॉगिंग करने चलो चेंज कर लिया डिस्टेंस आ चलो अब इसकी बात करते हैं रोप स्कीपिंग की आप सेम जगह पर खड़े होकर एक बैलेंस बनाकर बॉडी का रोप स्कीपिंग कर रहे हो है ना वन यू आर डूइंग दैट आप रुक थोड़ी रहे हो आप कॉन्स्टेंटली वो मूव करते जा रहे हो ऐसे अब जब वैसे मूव करते जा रहे हो तो आपकी बॉडी आपके सब चीज़ें आपके रोप से लेकर आपकी बॉडी एवरी इज इन मोशन बट एक बैलेंस है आप गिर नहीं रहे बार बार आप यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच गए है ना रनिंग नहीं है तो ये चीज़ वहाँ पर है कि चाहे जितना आप आगे जा रहे हो उतना ही पीछे आने वाला सेम चीज़ मान लीजिए एंड वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा नो नेट चेंज इन कॉम्पोजेशन अब इसको अगर मैं एक ग्राफ की हेल्प से जब मैंने शुरू करा जब मैंने कोई काम शुरू करा ग्राफ में इधर अपने तरफ से ड्रॉ कर लूँ या एक रिएक्शन लिख लेते हैं रैक्टर टू प्रोडक्ट जब मैंने कुछ भी शुरू नहीं करा था सिर्फ माइंड में सोचा था कि एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है टेंथ इलेवन में आ गए हैं अब मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है सो मेरे पास हंड्रेड परसेंट सिलेबस था हंड्रेड परसेंट सिलेबस था यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या थी मैक्सिमम देखो टाइम है ये कंसनट्रेशन है मैक्सिमम थी हंड्रेड परसेंट थी अभी कुछ करा ही नहीं आप कुछ घर पे कोई चीज़ बनाने जा रहे हो आप केक बनाने जा रहे हो आप रोटी बनाने जा रहे हो अभी आपके पास पूरा का पूरा स्टफ बाहर पड़ा है हंड्रेड परसेंट अभी कुछ एक्शन करा ही नहीं बट धीरे धीरे आपने खाना बनाना शुरू करा या धीरे धीरे आपने अपनी स्टडी शुरू करी है अब इस महीने में आते आते अभी बहुत टाइम पड़ा है जेई के एग्जाम में तो थोड़े महीने रह गए जनवरी में है ट्वेंटी के है ना शुरू हो रहा है बट नीट का तो फाइव फिफ्थ ऑफ मे के अराउंड है तो वहां पर अभी कितने महीने बचे हैं थोड़े ही हैं। कवर हो चुका है. तो वो हंड्रेड से कितना आया नीचे आ गया कम हो रहा 80 20, आ, आपका 80 कवर हो चुका है एटी से ट्वेंटी कितना ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट रिएक्टेंट बच रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो आपके चैप्टर्स कवर होते जा रहे हैं चैप्टर के कवर होते होते आपका ग्राफ जीरो था शुरू में कोई तैयारी नहीं थी जीरो थी अब आपकी जो तैयारी है वो होती जा रही है होती जा रही है अब एक पॉइंट आ जाएगा जब आपके दोनों के बीच में क्लिब्रियम मतलब जितने आपके चैप्टर्स हो चुके हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट्स बन चुके हैं मतलब दोनों अगर यहाँ पर 20% परसेंट बचा, बचा है इधर 20% परसेंट मतलब कंज्यूम होने के लिए रह गया इधर 20% परसेंट कम्प्लीट होने के लिए रह गया तो दोनों स्टेट्स के बीच में एक इक्लिब्रियम आ ही जाएगा मतलब जब आपके इक्वल नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर हो गए और इक्वल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है आपके हमारे बचे हैं तो वो वाली कंडीशन जब आ जाती है वो हमारा क्या हो जाता है इक्लिब्रियम पॉइंट ये देख लो वो उसे कहते हैं इक्लिब्रियम ओके okay? इसको किसी और कलर से कर लेते हैं दिस इज दिब्रियम स्टार्टिंग में रिएक्टेंट 100% परसेंट प्रोडक्ट जीरो आगे बढ़ते गए रिएक्टेंट कम होते गए एंड जो प्रोडक्ट थे वो बढ़ते गए एक पॉइंट पे क्रॉस करा आगे जाकर क्या हो गए सेम ठीक है तो वो जिस स्टेट पे जाके सेम होगी है उनकी उस पर इक्लिब्रियम अब वो इंडिपेंडेंट हो गए अब उनकी कंसनट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा अब वो जितनी कंसेंट्रेशन है अब उतनी ही रहेगी ठीक है अब इक्लिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा जो अभी तक सारे पॉइंट्स पढ़े हैं वो जो वार्म अप था क्लास के बच्चे की इंट्रोडक्शन थी वो हो चुकी है इक्लिब्रियम की इंट्रोडक्शन अब सारे पॉइंट्स बार बार वही काम में आएंगे डायनेमिक की बात बार बार होगी रिएक्शन कंडीशंस की बात बार बार होगी ठीक है अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आपको बताना है ये ग्राफ किसके बीच का एक बता रहा है इसके लिए क्या समझना चलो जल्दी से गैस करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता के जाना है चाहे आप लोग ये वीडियो मतलब रिलीज होनेंगे दो महीने बाद देख रहे हो चाहे साल बाद देख रहे हो आपका आंसर मुझे चाहिए बिकॉज दिस एक्ट्स लाइक अ फ्यूल टू मी जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए रहती है कि क्रैक करना है एग्जाम तो ऐसे ही टीचर्स के लिए मोटिवेशन है आपके रिस्पॉन्स के यू गाइज आर लर्निंग समथिंग एंड समथिंग इज समथिंग यू गाइज आर गेटिंग आउट ऑफ इट थर्मो का चैप्टर हुआ है ना सारी बात एनर्जी के टर्म्स में होती है तो अगर मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो आप उसको अपटेन कर रहे हो आप तक वो चीज़ें जा रही हैं देन ओनली इट इज़ यूजफुल ठीक है तभी डेल्टा जी नेगेटिव है मेरे लिए यहां पर हमारे पास ग्राफ जो है क्लिब्रियम बताना है जो नीचे वाली कर्व्स है ये क्या दिखाती हैं ये हमें दिखा रही हैं रिएक्टेंट्स क्योंकि जो कम क्या होगा रिएक्शन आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो कम क्या होगा रिएक्टेंट्स कम होंगे ना तो रिएक्टेंट अगर कम हो रहे हैं तो मतलब बी एंड सी क्या है रिएक्टेंट है और ए बनता जा रहा है तो ए इज द प्रोडक्ट तो कोई ऐसी इक्वेशन है यस सी इज द राइट right आंसर इतना इजी सा ग्राफ था इजीली कर सकते थे बट शायद कई बार हम ग्राफ देखकर घबरा जाते हैं ब्रेन वॉश हो जाता है चाहे टॉपिक पढ़ा भी हो तो बस आराम से डीप ब्रेथ का लेकर एक चीज़ को देखना है कंपेयर करना है एंड देन इक्वेशन के देखना है कि क्या पूछा क्या है ठीक है ईजी था ये तो अब हमारे पास आता है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल कैमिकलिब्रियम लॉ ऑफ मास एक्शन का आप ना कभी आपको नहीं मिलेगा एनसीआर में जब पढ़ने बैठोगे तो बीच में कहीं लिखा हुआ है हेडिंग आप लॉ ऑफ केमिकल ही पढ़ोगे एंड जब आप इसकी बात करते हो स्टेटमेंट समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बच्चे तो बहुत अच्छे हैं क्रैमिंग में कई बार सब बहुत अच्छे से क्रैम कर लेते हैं बट जिनको क्रैमिंग नहीं आती डोंट वरी आई गॉट यू हमें क्या करना है चलो इस चीज को समझो ए प्लस बी ए प्लस बी को रिएक्शन हो रहा है चलो इनके आगे वो कॉफी भी लगा देते हैं मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स इधर उधर करे हैं सी कर दिए प्लस डी कर दिए अब ये क्या कह रहा है जो एनी रेट जो है वैसे तो इसको ऐसे लिखते हैं कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा या रिएक्शन कि कितना स्लो चलेगा that is rate, वो रेट किस रेट पे जा रहा है, है ना तो वो क्या होगा हमेशा इक्वल टू के ऑफ ए रेस टू पार ए बी ऑफ लाइक रेस टू पर एक्चुअल में यहां पर पोर्शनैलिटी का साइन था वो मैंने हटा दिया कांस्टेंट आ गया तो ये क्या कहता है कि जो रेट होगा रिएक्शन का वो डिपेंड कर रहा है कंसेंट्रेशन टर्म्स पे ओके okay? एंड जो उनकी पावर्स होंगी उस पर भी डिपेंड कर रहा है ओके okay? इस चीज को सिंपली बताया है बट अब ये रिएक्शन एक पे है अब एक टर्म इंट्रोड्यूस होने जा रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिख देती हूं ध्यान से देखना यहां कर रही हूं के वैल्यू जो के की वैल्यू है ये के छोटी के है ये है स्मॉल के ये है कैपिटल के ये दोनों डिफरेंट है इसको मैं लिखूं दिस इज रेट कॉन्स्टेंट ये रेट के कैक्शन से आया ना ये एक परपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है तो ये एक रेट कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल रेट आएगा आपके केमिकल एंड कनेटिक के चैप्टर में क्लास ट्वेल्थ में तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहती ऑलरेडी ये चैप्टर है आपके पास हैंडल करने के लिए अब इस चैप्टर में जो करते हैं वो बात ये है कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा कौन सा रिएक्शन स्लो होगा उसकी बात करते हैं बट ये यहाँ से कैसे रिलेटेड है कि अगर मुझे के की वैल्यू निकालनी हो तो दैट इज जो सी है रेस टू पार सी d है d रेस टू डी d a रेस टू रेस्टू a b रेस टू पर b घबराना नहीं है एक्सप्लेनिंग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रेशियो है k इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये सारी जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है ये क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स कंसंट्रेशन टर्म्स को अब आगे से कभी भी ऐसी ब्रैकेट में दिखाया हो जो स्पेशल वाले ब्रैकेट्स में रखी है, मतलब क्या है वहां पर मोलैरिटी की बात करी है एंड मोलैरिटी कंसेंट्रेशन टर्म्स है ना तो कंसेंट्रेशन को कैसे बताते हैं मोलैरिटी के टर्म्स में पहले इसे एक्टिव मास की टर्म में बताते थे एक्टिव मास पुराने जमाने की बात है अब एक्टिव मास कहते थे तो कभी आप किसी क्वेश्चन में एक्टिव मास पढ़ लो ना पुराने क्वेश्चंस भी तो होंगे ना पी वाई के करोगे तो कभी एक्टिव मास पढ़ लेना तो घबराना नहीं है वो एक्चुअल में बात मोलैरिटी की ही करी है तो जब भी कभी ऐसी ब्रैकेट दिख जाए आज के बाद केमिस्ट्री में मतलब वहाँ पर बात हो रही है इक्लिब्रियम की वहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्िब्रियम एंड ये है इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट मेरे पास समझ में आ गई बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन दोनों ओके ये सबसे पहला टास्क अगर बोले कि अगर आप चेक करते हो ना बॉक्सेस के कितना टू डू लिस्ट में ये चैप्टर का फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट था वो कवर हो चुका है ठीक है अब इससे आगे आने वाले चलो क्वेश्चंस करते हैं इसको के सी भी दिखा देते हैं के पी के सी बहुत सारी टर्म्स आएंगी अगर सपोज मेरे सारे रिएक्टेंट्स यहाँ पर है क्या कोई ऐसी इक्वेशन यस देयर इज वन इक्वेशन सारी वैसे ऐसी ही हैं कुछ ऐसी इक्वेशंस आएंगी जिधर सारे रिएक्टेंट्स क्या होंगे गैसी स्टेट में जैसे इस रिएक्शन को देखो इस रिएक्शन को देखो ये रिएक्शन में सारे क्या हैं गैस नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस अमोनिया गैस है तो यहां पर जब रिएक्शन के कॉफी लिखते हैं कॉन्स्टेंट कौ, की बात करते हैं तो हमारे पास ये आता है प्रेशर की टर्म में क्योंकि देखो कंसंट्रेशन की कैसे मोलैरिटी निकालोगे मोलैरिटी तो हम उन चीज की निकालते हैं ना जो लिक्विड स्टेट में है जो एक्वा स्टेट में है यहाँ पर तो ये गैसीय स्टेट में है अगर दे दी है ठीक है वो शायद इमेजिन कर ली होगी शायद कोई और तरीका होगा अगर गैसेस हैं तो प्रेशर आता है सो so, आप क्या लिखते हो प्रेशर ऑफ एन एच थ्री प्रेशर ऑफ एन एच थ्री यहाँ पर इसकी पावर क्या होगी टू अच्छा ये मैं बताऊँगी जो आगे होता है वो ऊपर रेज हो जाता है ना मैंने करा यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी तो करा पावर ऊपर रेज गई अब नीचे क्या आएगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का आ, सिंपल कुछ स्केयर नहीं है एंड हाइड्रोजन का प्रेशर का क्यूब तो इसकी क्वेश्चन ऐसे बनती है प्रेशर की टर्म में मैंने क्यों ले लिया क्योंकि हमें गैस के लिए प्रेशर दिया होता है एंड प्रेशर देते हैं हमें एटमॉस्फेयर में वैसे वैसे समझ जाना चाहिए इसकी यूनिट क्या होगी अगर मैं इसकी केसी की बात करूं इसे केसी लिखो केसी की बात करू इसकी यूनिट क्या होगी सबको पता है रेशो है वो वो रेशो है वो दोनों नंबर्स की रेशो है सो ये क्या है हमारे पास कंसेंट्रेशन अपॉन कंसेंट्रेशन अगर सेम दोनों चीज़ें हैं तो उसकी कंसेंट उसकी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट, उसकी कोई नहीं आएगी यूनिट बट समाइम्स हमारे पास पावर्स ऐसे आ जाती हैं ऊपर दो है नीचे थ्री है ये भी है सो तो कई बार पावर हमारी एटमॉस्फेयर की टर्म में आ जाएगी या मोल इन्वर्स मोल पर लीटर का इन्वर्स आएगा ठीक है वो डिपेंड करता है कैसा रिएक्शन दे है हम बात करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डोंट वरी मैं बताऊंगी दोबारा से अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट है तो रेशियो है कंसेंट्रेशन की तो वो कुछ उसका कोई यूनिट नहीं होगा नेक्स्ट करते हैं जैसे मैं दो कर दूंगी दो आपको करना है एक तो मैंने कर ही दिया सेकेंड वाला उसका रिवर्स है रिवर्स का भी बताती हूँ पी सी एल फाइव गैस के स्टेट में है स्टेट्स मेंशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथ साथ में इसके पॉइंट्स भी बताती जाऊंगी स्टेट्स मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बैलेंस्ड स्टेट में इक्वेशन को शो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि वो पावर रेज में हो रही हैं पावर्स का टर्म में याद रखना जरूरी है अब ये रिएक्शन ना रिवर्स है सेकेंड इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो वो रिवर्स हो गया तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा जो रिवर्स हो चुका है वो क्या हो जाएगा के फॉर दिस रिएक्शन एन एच थ्री तो वो हो जाएगा ऑपोजिट ऑफ दिस ऑपोजिट ऑफ रिएक्शन रिवर्स हो गया तो वो भी उसका क्या हो जाएगा रिवर्स ओके okay? तो वो वैल्यू रिवर्स आ जाएगी कई बार न्यूमेरिकल इतने इजी आ जाते हैं करेंगे हम प्रॉपर्टीज की बात बट याद रखो अब इसको लिखकर बताना है केसी की टर्म में वैसे तो के पी की टर्म में आना चाहिए क्योंकि पावर सब कुछ क्या है गैसियस गैसिय स्टेट में तो चलो पहले सिंपल इसे समझ लेते हैं ऐसे ही PCl3 जो गैसेस की साइड में है कुछ भी कॉफिशेंट नहीं है सेकेंड इज सी एल टू डिवाइडेड बाई पी सी एल फाइव डन विद दिस तो ये मैंने लिख दिया सेकेंड का खुद लिख सकते हो थर्ड का भी लिख सकते हो फोर्थ का मैं बता देती हूँ फोर्थ के लिए मेरे पास सॉलिड सॉलिड एंड ये दे रखा है तो K की वैल्यू क्या होगी सी ए होनी चाहिए सॉलिड है ये हाँ। अब होनी क्या चाहिए इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए पहले वो लिख रही हूं सी ओ टू गैस प्रोडक्ट साइड जो है डिवाइडेड बाय सी ए सी ओ थ्री होनी तो ये चाहिए थी बट यहां क्या कहते हैं जब भी कंसेंट्रेशन की टर्म जो सॉलिड की फॉर्म में आती है या हमारी आती है बात लिक्विड्स की प्योर लिक्विड जैसे वाटर की तो हम उनकी कंसेंट्रेशन कंसिडर नहीं करते वो इस टर्म में नहीं आएंगे उनको हम यूनिटी लेते हैं one. क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आते जितने गैसेज में आते हैं सो so, इसका सिर्फ कॉम्पोनेंट बचेगा दैट विल बी सीओ टू सीओ टू बाकी सब वन वन आ जाएगा बाकी सब वन वन ठीक है अब आपको याद रखना बाकी आप एक का आपके लिए छोड़ दी है मैंने वो आप खुद कर सकते हो ठीक है तो so, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें पता चला क्लिब्रेम कांस्टेंट कैसे लिखना है इट कैन बी के पी वेल अगर गैसी स्टेट में गिवन हो चीज़ें ओके okay? घबराना नहीं है जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है हमें हमें बताया है कि टू एंड टू अरे ये तो वही रिएक्शन आ गया ना हाँ सेम रिएक्शन यहाँ पर दे दिया बट उल्टा कर दिया थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हमारे पास के की वैल्यू गिवन है इसमें दैट इज़ जीरो मोल पर लीटर तो मैंने बोला था ना कि जब के की वैल्यू मोल पर लीटर कब आएगी जब पावर्स इधर उधर होंगी और वो कंसेंट्रेशन की टर्म में होगा इफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है तो वो है 1.54 पर मोल पर सेकेंड लीटर तो आपको बताना है बैकवर्ड रेट का का क्या होगा मतलब मेरे पास ये गिवन है रिएक्शन टू एन ओ गिविंग टू एन ओ प्लस ओ टू सोचो क्या हो सकता है घबराने वाली बात फिर से सामने आ गई कि ऐसा तो मैंने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा अभी तक कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज गिवन रेट ऑफ़ बैकवर्ड आपको बताना है इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है कि जो फॉरवर्ड जा रहा है उसका रेट है के एफ एक्सप्रेशन आ जाता है के एफ जो बैकवर्ड आ रहा है दैट इज के बी अब के क्या है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स बट यहाँ पर वो क्या है दोनों कांस्टेंट की रेशियो है के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड तो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं ये वाला आएगा के फॉरवर्ड इक्वल टू के बैकवर्ड अब यहाँ पर के फॉरवर्ड के की वैल्यू क्या है 0.50 इक्वल टू के फॉरवर्ड क्या गिवन है 1.54 डिवाइडेड बाय के बी के बी की वैल्यू क्या गिवन है हमें निकालनी है सो के बी क्या आ जाएगी के बी विल बी 1.54 पॉइंट फाइव फोर डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फाइव जीरो सो ये मेरे पास आ रहा है थ्री पॉइंट जीरो एट 3.08 तो सारी यूनिट सभी दे रखा है सारी ऑप्शन में अब यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है हमें यूनिट्स देखनी पड़ेंगी अब यूनिट्स की रेशियो क्या थी मेरे पास यहाँ पर के बी जो निकाला है वो किस किस चीज़ की रेशियो है लेट्स राइट यूनिट्स एंड बाकी सब मैं इेज कर दूँ क्या लिख लेते हैं जीरो को भी बट पहले यहाँ पर देखिए ये क्या है के वन पॉइंट फाइव फोर विच इज पर मोल पर लीटर पर सेकेंड पर मोल लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हमें गिवन है बट के की यूनिट क्या दे रखी थी मोल पर लीटर मोल पर लीटर दे रखी थी सो so, यहां पर क्या होने वाला है दोनों को अगर मैं ऐसे लिख लूं 1 बाय मोल नीचे आ जाएगा नीचे ऑलरेडी मोल है ये लीटर इनवर्स है ऊपर चला जाएगा ये लीटर ऊपर तो है ही एंड पर सेकंड ऊपर है तो so, अब ये दो मोल नीचे आ गए सो so, ये क्या बन जाएगा मोल माइनस टू लीटर स्केयर पर सेकेंड तो कोई ऐसी यूनिट है जिसमें ऐसा कुछ गिवन हो तो कौन सी है दिस इज़ ए ऑप्शन मैंने क्या करा मैंने दोनों यूनिट्स को भी डिवाइड कर दिया तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए ऐड करा था जब मैं बता रही थी कि यूनिट्स कैसे निकालते हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगी आपको जानना है कि वो क्या हमें इम्प्लाई कर रहा है बस ऐसे कर लेनी है रेशो एंड निकाल लेनी है अदरवाइज यू विल टेक के वो कॉन्स्टेंट है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज ऑल्सो सिमिलर अब ये आपको खुद करना है यहां पर क्या है रिएक्शन का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ के की वैल्यू लिख देती हूँ इट इज एच आई रेस टू पार टू डिवाइडेड बाई एच टू एंड आई टू अब यहां पर आपको वैल्यूज गिवन है सबकी वैल्यूज गिवन है आपको बस वैल्यू डालनी है एंड एक्सप्रेशन में निकाल लेनी है वैल्यू भी मैं डाल के दे देती हूँ यहाँ पर एच आई की वैल्यू है जीरो पॉइंट एट जीरो स्केयर डिवाइडेड by 0.10 पॉइंट वन बस अब इनको डिवाइड कर लीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा इसका आंसर मुझे कॉइंट सेक्शन में कॉमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर ठीक है अब ये बात करेंगे कि दोनों के सी एंड के पी में रिलेशन क्या है अभी तक हमें इतना पता है सबको पता है सबसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है क्या आपका जो स्कैडूल है डेली जो आपका प्लान है ना ही सिर्फ स्टडीज़ का या वैसे भी क्या वो आइडियल है क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ डे आया है या आपके इमेजिनेशन में कोई ऐसा डे है कि हाँ अगर ये सारी चीज़ें एक दिन में हो जाए मेरा डे आइडियल है कभी सोचा है वो पॉसिबल नहीं रहता ना वो कभी एक दिन के लिए फॉलो कर भी लोगे वो हमेशा नहीं होगा ऐसे ही एक गैस इक्वेशन है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन और ये आइडियल गैस जो इक्वेशन है ना ये इक्वेशन बचपन से पढ़ना मतलब इलेवंथ की स्टार्टिंग में आप सीख लेते हो ये बार बार आती है यूज़ होती है ठीक है यहाँ पर जब सारे लॉ कंबाइन कर लेते हो स्टेट ऑफ मैटर अभी तो बोर्ड के हटा ही दिया बोर्ड के एग्जाम्स के लिए ना सी बी एस ई ने बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखो जब भी कोई चीज़ें आपके सिलेबस में एडेड रहती हैं जब भी कोई चीज़ आपके सिलेबस में है दैट इज अगर आपकी बुक में थी तो वो इस अकॉर्डिंगली बनाई जाती हैं कि आपका जो ब्रेन है इलेवंथ क्लास में या ट्वेल्थ में ब्रेन है सेवंथ एथ नाइन टेंथ क्लास में ब्रेन है वो हैंडल कर लेगा उतनी इन्फॉर्मेशन दैट मच पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन हैंडल वो ज्यादा नहीं डालते आपकी बुक्स में ग्रेजुएशन लेवल की या आपकी पी एच डी लेवल की चीजें नहीं डालते क्योंकि उनको पता है यू नीड टू लर्न इट स्लोली तो जो चीज़ें वो लोअर क्लास में सिखाते हैं वो आगे आगे यूज करते जाते हैं तो ऐसा आपके माइंड में रहता है कि मैम बोर्ड पे फोकस करें ये चैप्टर तो डिलीट हो चुके हैं ये चैप्टर डिलीट हैं आप हमें क्यों करवा रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थे बच्चे वो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में यूज होने वाली हैं चीजें अगर जिसको नहीं पता कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है तो वो कैसे समझेगा यहाँ पर है ना सो so, वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो छूट रहे वाले जो चैप्टर काट दिए सी बी एस ई ने आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है देर इज नो शॉर्टकट मेहनत तो करनी पड़ेगी तो वो चैप्टर्स का भी आइडिया होना जरूरी था सो so, मुझे लगता है कि वो चैप्टर्स डिलीट नहीं होने चाहिए थे बट हो गए हैं तो क्या कर सकते हैं आइडियली टू एन आर टी पी इक्वल टू एन आर टी तो पी क्या हो सकता है NRT v. NRT v. और एन आर टी में एन क्या है यहां पर एन अपॉन वी मोलर मोल पर वॉल्यूम यहां पर क्या कह सकते हैं मोलैरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन अमाउंट ऑफ वाटर और एनी सर तो यहाँ पर सोल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो लेते हैं सो so, ये क्या आ गई सी ऑफ आर टी तो जो प्रेशर है इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ कंसनट्रेशन से कर सकती हूँ ना? मेरे पास सपोज कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी ये रिएक्शन है मेरे पास ए बी सी एंड डी अब यहाँ पर मैंने क्या करा इसको लिख दिया ये सारे गैसीय स्टेट में है सारे गैसीय स्टेट में है अब मेरे पास केपी की वैल्यू क्या आती है प्रेशर ऑफ ए रेस टू पार ए प्रेशर ऑफ सॉरी प्रेशर ऑफ सी रेस टू पार सी प्रेशर ऑफ डी रेस टू पार डी एंड प्रेशर ऑफ ए रेस टू पार ए रेस्ट ए एंड प्रेशर ऑफ बी रेस्ट उपार बी ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास अब मैं यहाँ पर सारी पी की टर्म्स को मतलब अगर मुझे कंसंट्रेशन टर्म में लिखना हो तो पी ए क्या होगा सी ए आर टी पी बी क्या होगा सी बी आर टी ऐसे ही सी सी आर टी एंड सी डी आर टी ऐसे लिख सकती हूँ ना सबकी टर्म्स को तो मुझे यहाँ पर उनको रिप्लेस करना है विद दी कंसेंट्रेशन टर्म्स सो मैं क्या सकती हूं? Concentration terms कर सकती हूँ कंसनट्रेशन टर्म्स से रिप्लेस कर सकती हूँ और मैंने कंसन्ट्रेशन टर्म्स को क्या बताया था हम सी से डिनोट नहीं करते हैं हम क्या यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को लिखने के लिए वी यूज़ स्केयर ब्रैकेट्स तो मैं यहाँ पर इनको स्केयर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख सकती हूँ सो so, यहाँ पर क्या आएगा ए के लिए ब्रैकेट ए आर टी बी आर टी ऐसे ही सी के लिए आ जाएगा एंड सी एंड डी ये दोनों के लिए आ जाएगा अब मैं इस फॉर्मूला में पुट कर देती हूं so, अब क्या आ जाएगा के पी इज इक्वल टू सी की जगह पर एक आएगा सी आर टी डी आर टी डिवाइडेड बाई ए आर टी एंड यहां पर डी आर तो ये पूरी टर्म है पूरी पी को मैंने रिप्लेस करा तो सबके ऊपर पावर है तो इनके ऊपर भी पावर आनी चाहिए सो so, सी के ऊपर क्या आएगी सी आर टी के ऊपर भी क्या आएगी सी एंड एर टी आर टी वाली जो टर्म्स है मैं उनको एक साइड में निकाल लेती हूँ और जो सारी कंसेंट्रेशन वाली टर्म्स है उनको एक साथ कर लेती हूँ सो so, क्या आएगा केपी रेस्टर सी डी रेस टू पार डी ए रेस टू पार ए बी रेस टू पार बी राइट अब आर टी वाली टर्म्स जो मैंने साथ में मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स क्या हो जाएंगी एंड आएगा आर टी ए प्लस बी हाँ वो गलती नहीं करनी है कि आप इनको कैंसिल कर दो ठीक है अब ये पूरा एक्सप्रेशन किसका है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसेंट्रेशन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो ये तो के सी है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसको यहाँ पर मैं कर सकती हूँ के पी इज इक्वल टू के सी आर टी अब आर टी क्या हो जाएगा सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी तो ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो इस साइड है प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट तो ये क्या आ सकता है फॉर्मूला जो आएगा दैट फॉर्मूला बिकम्स के इज इक्वल टू केसी सी आर टी रेज टू पर डेल्टा एन डेल्टा एन क्या है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास ये है रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी ये मेरे पास जो वैल्यूज हैं ये बता रही हैं ये रिएक्शन में के पी क्या है जब भी हमें दिया हो क्लिब्रियम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जब सब गैस स्टेट में हो जब मैंने बात करी कंसेंट्रेशन टर्म्स की जब हमारे पास नॉर्मल मोरिटी वगैरह गिवन है तो के सी आर इज गैस कॉन्स्टेंट टी इज टेम्परेचर डेल्टा एन के कितना चेंज हुआ नंबर ऑफ मोल्स का ठीक है सो so ये कितनी इक्वेशन कलरफुल सी लग रही है ऐसे ही कलरफुल करके कर लेना पहले पार्ट में मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन बता दी सेकेंड में आइडियल गैस से कंसनट्रेशन टर्म्स में निकालना बताया थर्ड में मैंने वैल्यू पुट कर दी फोर्थ में मैंने उनको आर को साइड में ले गई फिर आर को माइनस कर दिया के वैल्यू ले ली सो so, ये रिलेशन है बिटवीन के एंड के समझ में आ गया अब अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया हो किलिब्रियम कॉन्स्टेंट के पी जो है दैट इज 1.8 पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू पार माइनस थ्री एटमोसफियर देखो प्रेशर है एटमोसफियर की टर्म में है वैल्यू ऑफ के सी क्या होगी फॉर दिस रिएक्शन के सी आई डोंट नो बट मैंने अभी क्या करा ऑब्वियसली एक्सप्रेशन करा है तो सब कुछ उसी की बात होगी सो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेस टू पर डेल्टा एन अब यहाँ पर रिएक्शन में टू एस ओ थ्री टू एस ओ थ्री प्लस ओ टू गिवन है यहाँ पर क्या है एक साइड प्रोडक्ट साइड लिखो टू एस ओ टू टू एस ओ टू प्लस ओ टू यहाँ पर क्या है मेरे पास इस साइड तीन नंबर ऑफ मोल्स हैं डेल्टा एन क्या आएगी इधर जो है माइनस दिस वन तो थ्री माइनस टू इक्वल टू वन तो यहाँ पर तो सिर्फ वन ही आया सो so, मुझे के पी की वैल्यू गिवन कितनी है वन पॉइंट एट इन टू टेन रेस टू पर माइनस थ्री के सी निकालना है डिवाइडेड बाई आर टी रेस टू पर वन तो अब मुझे गैस कॉन्सेंट टेम्परेचर की वैल्यू डालनी पड़ेगी सो so, ये क्या आ जाता है मेरे पास

तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है एंड दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन जहां पर हमारी बात हो रही है दोनों के पी एंड के सी को रिलेट करने की एंड ट्रस्ट मी मैं बता देती हूँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो बोर्ड में तो वो डायरेक्ट पूछेंगे कैसे क्वेश्चन लाइक दिस बट आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा उस पार्ट को ठीक है अब इसका आंसर बताना है किस केस में केपी के सी के इक्वल नहीं है नहीं है और केपी के सी के इक्वल कब होगा जब आर टी टर्म की रेस क्या होगी जीरो पावर मतलब डेल्टा एन जो है वो जीरो होगी जब हमारे पास डिफरेंस जीरो आएगा तो एनी थिंग रेस टू पार जीरो वन तो के सी इक्वल टू तो के पी हो जाएगा दोनों साइड के नंबर ऑफ मोल्स देखो इस साइड है टू इस साइड भी टू तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर एन पी माइनस एन आर तो दैट इज टू माइनस टू इक्वल टू जीरो जीरो हो गया सेकेंड पार्ट में वन प्लस वन टू इधर भी वन प्लस वन टू ये भी जीरो तो इनके लिए तो है लास्ट वाले में मैं अगर देखूँ यहाँ पर है यहाँ पर भी दो इधर भी दो तो ये भी जीरो तो लास्ट वाले रेक्शन की अगर मैं बात करूँ अगर मैं नॉर्मली करती तो मेरे पास क्या आता दो है इधर और इधर तीन है तो तीन जो है ना वो गलत है मुझे सॉलिड स्टेट वाला कंसीडर नहीं करना है मुझे कंसीडर करना है जो गैसीय स्टेट में प्रेजेंट है सो so, क्या आ जाएगा टू माइनस वन वन तो इस केस में वो इक्वल नहीं है इस केस में वो इक्वल नहीं होगी ठीक है so, सो फिर के पी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा के सी की वैल्यू से क्योंकि देखो इन चीजों का मल्टीप्लाई करके आ रहा है के पी की वैल्यू जो आंसर आ रहा है है ना सो so, ये वैल्यू ज्यादा होगी ऑब्वियसली तो जब ये वैल्यू अगर ये वन है के सी आर टी वन तो ये क्या आ जाएगा ग्रेटर के पी की वैल्यू ज़्यादा होगी ना सो दिस इज दी राइट ऑप्शन तो डेल्टा एन की वैल्यू हमने अपने किस चैप्टर में करी थी थर्मो में भी कर रखी है जहाँ पर हम डेल्टा एन जी आर टी की बात करते हैं ठीक है वो वाला एक्सप्रेशन भी आना है उसमें भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं ठीक है अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं क्लिब्रियम को डिपेंड करते हैं और इसकी एटलीस्ट एप्लीकेशन क्या है क्या जरूरत पड़ी हमें इसको कैलकुलेट करने की वो सब देखेंगे बट इसको देखो ये डिपेंड नहीं कर रहा है इनिशियल कंडीशन पे अगर रिएक्शन में पहली बात जो एक लिब्रियम होता है ये रिवर्सिबल कंडीशंस में होता है हमेशा रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगा तो ये तभी हमारे लिए तभी हमारी फिगर में आता है तभी पिक्चर में आता है जब हमारे पास इक्लिब्रियम हो जाए स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में जब आप तैयारी करने बैठे थे तो क्या ही था तब सभी तैयारी करने के लिए सारे चैप्टर सा ऐसे ही पढ़े थे सेम हेयर कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता वो डिपेंड करता है जब आप इक्लिब्रियम अपटेन कर लेते हो तब और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ठीक है इस चीज़ का ख्याल रखना ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो अगर पूछा किससे चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन इनिशियल पे नहीं टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है वो कैसे करेगा वो आप हायर क्लासेस में करोगे ठीक है अभी ये बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन होनी चाहिए जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन टॉक्यूमेट्री पे डिपेंड कर रहा है ए रेस टू पार ए बी रेस टू पार बी सारी इक्वेशन जितनी भी अभी तक करी है ना सारी जो थी वो बैलेंस्ड इक्वेशन थी तो आपको पता होना चाहिए कैसे बैलेंस करना है इक्लिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगा सपोज ए इज गोइंग टू बी और ये है के वन बट फिर मेरा सेम ही रिएक्शन हो गया बी गोइंग टू ए वापस तो ये इसको रख लूँ के टू तो जो के वन है वो क्या है इनवर्स ऑफ के टू ठीक है सो so अगर इस रिएक्शन के लिए मेरे पास के की वैल्यू के वन थी तो इसके रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी वन बाई टू और सेम गोस अदर वन, वाइस वर्सा, ठीक है इसकी वैल्यू रिवर्स लिखनी है हमें याद रखनी है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं के सी इज के ऑफ रिवर्स जो अपोजिट रेक्शन की है ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है अब यहाँ पर यह भी एक रूल आता है ऐसा क्वेश्चन ये मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाया है ये बोर्ड के बच्चों को अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो थोड़ा ईजी ले लेना टाइम लग जाएगा इसको समझने में यहाँ पर हमारे पास जब कोई इक्वेशन मल्टीप्लाई जब इक्वेशन ऐड हो जाती है ना तो के की वैल्यूज मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो सकती है यहाँ पर हमें ए बी सी रेक्शन दिए हैं हमें बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट है यहाँ पर एच वन था यहाँ पर एच टू डबल हो चुका है यहाँ पर थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन थे यहाँ पर एक मोल था तो ये फोर हो चुका है सो so, यहाँ पर सी ओ था वो सी ओ कैंसिल हो गया ये सी ओ इधर वाले सी ओ से कैंसिल हो चुका है वाटर ऊपर एक था नीचे वाटर एक था दोनों ऐड हो गए तो जो ए और बी है उनको ऐड करके सी बना है सी जो रिएक्शन है ये इनको ऐड करके बना है अगर इस रिएक्शन के लिए के वन है इसके लिए वो के टू है तो ये के थ्री के इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई हो गए उनके जो है क्लिब्रियम कॉन्स्टेंट्स सो कौन सा एक्सप्रेशन सही है के वन के टू बी इज द राइट इक्वेशन तो बहुत बार ऐसा आता है आपको दो तीन रिएक्शन गिवन होते हैं और आपको एक बताना होता है कि मिक्स करना है कैसे मिक्स करा क्या आपने माइनस करा क्या आपने डिवाइड करा कई बार ऐसा भी आता है अंडर रूट में जितनी एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे उतनी कम है ठीक है सो so, इसकी एग्जाम्पल्स करनी है नेक्स्ट वट विल बी द्लिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर दिस रिएक्शन पहली बात पहले रिएक्शन में देख रहे हो वन वन टू है अदर में वो हाफ हो चुका है अदर में वो हाफ हो चुका है रिवर्सिबल तो नहीं है नहीं है सो जस्ट हाफ हो गया सो so अब क्या आएगा क्या वो के हाफ के आएगा या के टू ऊपर हाफ ऐसे आएगा कौन सा आएगा के टू ऊपर हाफ तो वो वैल्यूज हाफ हो चुकी हैं, ठीक है सो so ये भी हमारे पास रूल रहता है कि जो के की वैल्यूज ऐसे गिवन हो दे आर मल्टीप्लाइड अगर यहां पर वो हाफ कर दिया है तो के की वैल्यू की पावर चेंज हो जाएगी के रेस टू पर एन हो जाता है तो ये न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन थोड़ी समझ आती हैं बार बार इनकी करने के बाद ही ठीक है सॉल्व करने के बाद अपने आप आ जाएंगी नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ के की क्या जरूरत है क्यों कर रहे हैं मैं पढ़ रही हूं तो क्या जरूरत है उस चीज की है ना ऐसे ही के की वैल्यू अगर मैं पढ़ रही हूँ आता है माइंड में दिमाग में कई बार टॉपिक नहीं जाता तो हम सोचते हैं भैया क्या जरूरत है इसको करने की तो एक्चुअल में इसकी जरूरत यह है कि ये हमें बताता है रिएक्शन कितना हो चुका है एक हुआ कब हुआ जब स्टार्टिंग में ही हो गया या जब एंड होने वाला था तब हुआ या मिडल में हुआ ये ये भी बताता है कि रिएक्शन अब फॉरवर्ड होगा रिएक्शन बैकवर्ड होगा या रिएक्शन एक पे है ये भी हमें के की वैल्यू से पता चल जाता है एसिड और बेसिस के लिए के ए एंड के बी की बात आएगी वहाँ पर ये उनकी वैल्यूज भी बताते हैं कि कितना वो स्ट्रॉन्ग है कितना वो हमारा वीक है ओके okay? अब इनका एक्सटेंड टेंड करने के लिए हमारे पास वैल्यूज दी जाती हैं अगर तो के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बहुत हाई है अगर के की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई है लाइक

वेरी स्मॉल अगर के की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो रिएक्शन रेयरली प्रोसीड कर रहा है। तो रिएक्शन वापिस है मतलब एक ना बहुत जल्दी अपटेन हो गया था जब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बचे हुए थे तभी एक आ गया ठीक है तो कभी भी ये रिएक्शन ना जो भी एक लिब्रियम पे रिएक्शन है ये कभी कम्प्लीशन पर नहीं जाते कभी कम्प्लीट नहीं होते दे आर ऑलवेज हैविंग अ बैलेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स तो अगर करना हो तो फिर वो कैसे करते हैं उसके लिए हम ली ली प्रिंसिपल को समझेंगे ठीक है अब इनके लिए ये चीज कर लो समझ लो इस एरो को अगर तो वैल्यू बहुत कम है सेंटर में वन है तब एक लिब्रियम है अगर इसकी वैल्यू बहुत ही कम है तो वो रेक्ट एंड साइड है अगर वैल्यू बहुत लार्ज है तो ऑलमस्ट कंप्लीटेड है रिएक्शन हमारा प्रोसीड कर रहा है हमारा राइट डायरेक्शन में ठीक है कितना आसान है इसकी वैल्यूज को करना जैसे अभी ये क्वेश्चन आ गया अगर वैल्यू दी है के की किसी रिएक्शन के लिए 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट टू पर ट्वेल्व तो बताइए क्या होगा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे सेम अमाउंट होगा सारे के सारे रिएक्टेंट्स होंगे मोस्टली रिएक्टेंट्स होंगे वैल्यू के रेस्टू पर थ्री से टेन रेस्टू पर थ्री से टेन रेस्टू पर बारह बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा हाई तो मतलब मोस्टली फॉरवर्ड रैक्शन में जा चुका है एंड प्रोडक्ट्स ही प्रेजेंट होंगे कितना ईजी था इसको करना है ना ऐसे क्वेश्चंस थोड़े इजी हो जाते हैं अब ये ये भी बताता है कि अगर रिएक्शन रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ये, ये किससे पता चलता है क्यू वैल्यू से <laughs> एक और वैल्यू इंट्रोड्यूस हो चुकी है क्यू अभी तक तो क्यू को समझना ना बहुत आसान हो जाएगा के समझ आ गया के क्या था इक्लिब्रियम कांस्टेंट वो हमने कब निकाला जब रिएक्शन ने एकब्रियम ऑप्टेन कर लिया था बट अगर मैं इनकी रेशो लूं ए एंड बी अगर मैं इसकी रेशो लूं बट नॉट एट इक्िब्रियम तब मतलब मैं तो इक्लिब्रियम में बात करी थी इक्लिब्रियम तो एक पॉइंट पे फिक्स रहता है कि मिडल में आ गया आप बट जब मैंने सारी रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ जब रिएक्शन खत्म हुआ किसी भी टाइम पे जब मैं इनकी रेशो ले लेती हूँ वो होता है हमारे पास रिएक्शन कोशेंट एट एनी स्टेज एट एनी स्टेज तो अब अगर तो क्यू की वैल्यू के, के इक्वल है अगर क्यू की वैल्यू के, के इक्वल है इक्लिब्रियम्लिश्ड इक्लिब्रियम इज इस्टैब्लिश्ड अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा है के सी से ज्यादा है तो रेक्शन हमारा बैकवर्ड जाएगा बट अगर इसकी वैल्यू कम है और के की वैल्यू ज्यादा है रिएक्शन जो है वो क्या करेगा फॉरवर्ड में जाएगा जब तक तो इक्लिब्रियम नहीं आ जाता तीनों चीजें लिख लो अपनी नोटबुक पे जब भी अपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस तो ये आपके पास होना चाहिए ठीक है के सी की वैल्यू अगर क्यू के इक्वल है देन दैट इज एट इक्िब्रियम बट अगर के की वैल्यू कम है क्यू की ज़्यादा है देन दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन क्यू बैकवर्ड फॉरवर्ड लाइक करता है बट के सी की वैल्यू ज़्यादा तो मतलब फॉरवर्ड जाएगा ठीक है ऐसे मतलब नुमेरिकल्स में एक की वैल्यू गिवन होगी दूसरे की आपको निकाल कर बताना होगा कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है मुझे बताना है कि अगर ये रिएक्शन क्वेश्चन है इससे दिया है तो रिएक्शन क्या अच्छा रिएक्शन कब जाएगा राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कब जाएगा मतलब बैकवर्ड कब जाएगा जब क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी जब क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी दे कुड हैव गिवन कि क्यू की वैल्यू इतनी है के की वैल्यू निकाल के बताओ और ये भी पूछ सकते थे कि अब बताओ रिएक्शन प्रोडक्ट की साइड ज़्यादा होगा या वो रिएक्टेंट की तरफ अब अगर मेरे पास Q या K की वैल्यू गिवन भी रहती अगर Q या K की वैल्यू गिवन भी रहती जैसे 1.1 पॉइंट वन इंटू टेन एज टू पर एट ये वैल्यू गिवन थी और आपके पास K की वैल्यू आती 1.1 पॉइंट वन इंटू टेन एज टू पर थ्री तो आपको पता है K की वैल्यू कम है अब K की वैल्यू जब कम है क्यू की ज़्यादा तो रिएक्शन बैकवर्ड और बैकवर्ड तो है ही दूसरी साइड इसकी वैल्यू बहुत कम आई है बहुत कम है टू ऊपर थ्री के अराउंड है तो माइनस थ्री रखो टेरिस्ट ऊपर माइनस थ्री तो अब इसकी वैल्यू बहुत कम है इट इज अप्रोचिंग द रिएक्टेंट्स तो आपको अगर इस आपकी वैल्यू इसने यहाँ से कंपेयर कर रहे हो तो आपको दोनों चीजें पता चल रही हैं रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है बैकवर्ड या फॉरवर्ड और किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये हमारे पास दो यूजेस हैं के एंड के पी एंड के सी किसी की भी वैल्यू के ओके सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आ गया है अब यहां पर क्या करना है वैल्यू ऑफ के सी इज गिवन के सी की वैल्यू टू पॉइंट जीरो इंटू टेनरेस्टू पर माइनस थ्री गिवन है अब मैंने क्या बताया था अगर तो वैल्यू टेनरेस्ट टू पर थ्री के पास हो तो वो जाता है वो हमारा प्रोडक्ट की साइज ज्यादा है ये हमारा रिएक्टेंट की साइज ज्यादा है अब हमारे पास सबकी कंसेंट्रेशन सेम दी है और हमें पूछा है रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा प्रोसीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्यू की वैल्यू निकालिए कंप्लीशन की कॉम्पोजिशन हमें दे दी है और एक्शन को क्या लिखना पड़ेगा बी सी अपॉन ए स्केर वैल्यूज डाल दीजिए वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास थ्री इंटू टेन रेज पर माइनस फोर थ्री इंटू टेन रेज पर माइनस फोर डिवाइडेड बाय थ्री इंटू टेन टू पर माइनस फोर तो क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय तो यहां पर ये ये आ गया तो ये क्या है कैंसिल हो जाएगा सारा क्या वैल्यू आई Q की वैल्यू आ गई K की वैल्यू कितनी गिवन है मैंने बताया था एक की वैल्यू गिवन होगी K की वैल्यू कम है Q की वैल्यू ज्यादा है वन बड़ा है ये वैल्यू नेगेटिव में है जब Q बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है तो रिएक्शन जाएगा

इसमें क्या है सारा गैस 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 सभी क्या है गैसीय स्टेट होमोजीनस एक्लिब्रिया इसमें देखो ये एक्वस ये एक्वस सब कुछ एक्वस स्टेट में है लिक्विड को हम इग्नोर कर देते हैं उसको हम प्योर स्टेट में मान लेते हैं तो वन आ जाती है वैल्यू ये सारे एक्वस है सब सेम स्टेट में होमोजीनस एक्लिब्रिया होमोजीनस एक्लिब्रिया एंड हाइड्रोजीनस एक्ब्रिया क्या होगा ऐसे ही हाइट्रोजीनियस क्लिब्रिया के लिए हम बात करेंगे बट उसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्लिब्रियम कॉन्स्टेंट गैसीय स्टेट के लिए देखो अगर वो सारे सेम स्टेट में प्रेजेंट हैं, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी के पी और ये क्वेश्चन आप देखना एनसीआर में एज इट इज आर्टिकल है क्लिब्रियम कॉन्स्टेंट इन गैसीय सिस्टम वो क्या हो जाएगा के पी और यहीं पर दोबारा से के पी इज इक्वल टू के टी आर डेल्टा एन ये वाला एक्सप्रेशन दोबारा से डराइव यहाँ पर होगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था मैं वहाँ पर आपको बताने वाली थी उमो जी के बारे में बट यहाँ पर बता दिया तो अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें गिवन है एक इक्वेशन और हमें पूछा है कि इसको हमें बताना है क्या के सी की वैल्यू गिवन है के पी निकालनी है एंड टेम्परेचर भी गिवन है एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास के पी इज इक्वल टू पर तो जिस वैल्यू पुट कर देते हैं की क्या आ गई पर की वैल्यू क्या आ चुका है डेल्टा एन की वैल्यू क्या है रिएक्शन में थ्री है डेल्टा एन इज थ्री माइनस टू इक्वल टू वन तो आर टी टू पर वन है तो टी की वैल्यू क्या वन है वन जीरो सिक्स नाइन वैल्यू पुट करी मेरे पास आता है 3.33 आंसर इज बी ऑप्शन दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस कितना आसान था बस के पी के सी का रिलेशन याद रखना है तो वो क्वेश्चन यहाँ पर है? क्यों आया क्योंकि वो एक्चुअल में होमोजेनस सिक्लीब्रिया में ऐड होता है आपके पास ठीक है अब ऐसे ही मेरे पास क्या आएगा फ्री एनर्जी के साथ रिलेशन गिप्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेशन का एक छोटा सा टॉपिक है प्रीवियस चैप्टर में हम कर रहे थे ना डेल्टा की वैल्यू अगर नेगेटिव है रिएक्शन तभी होता है राइट right? तो के के साथ इसका रिलेशन क्या रहता है दिस इज द रिलेशन माइनस आर टी एल एन के बहुत डिटेल में आप करोगे ट्वेल्थ क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में यहां पर सिर्फ एक्सप्रेशन देख लो वैल्यू इज माइनस ऑफ आर टी एल एन के ओके okay, तो इसका ना ऑपोजिट होगा के की वैल्यू के जब के की वैल्यू वन डेल्टा जी हो जाएगी जीरो डेल्टा जी जीरो हमें इस चैप्टर में सिर्फ ये चीज याद रखनी है आगे पीछे होगा तो वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है जब डेल्टा जी नेगेटिव होगी रिएक्शन प्रोसीड करेगा तब के की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तो ये ऑपोजिट चलेंगी बट एट इक्लिब्रियम इक्लिब्रियम भी ऑपोजिट है ना अगर के की वैल्यू वन है डेल्टा जी जीरो हो चुका है रिएक्शन अब इक्लिब्रियम पे है ये एज इट इज क्वेश्चन आया था हमारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में ठीक है एज इट इज पूछ लेते हैं कि के की वैल्यू ज्यादा होगी या बड़ी होगी या छोटी होगी ओके okay? अब हाइड्रोजीनस इक्लिब्रिया क्या होगा जिसमें हमारे पास दोनों डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट हो जैसे इस इक्वेशन को देखो ये सॉलिड है ये एक्वस एक्वस अब इसका ख्याल रखना है कि जब प्योर लिक्विड की बात हो या सॉलिड की बात हो तो एक्टिव मास जो है वो क्या हो जाता है वी कंसीडर इट इक्वल टू वन तो वो वन के इक्वल हम कंसीडर कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर एक्वस एक्वस तो इसके एक्सप्रेशन क्या आएगा के सी का पी बी टू पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव स्क्र दैट्स इट नीचे कुछ भी नहीं आएगा बहुत बच्चे गलती करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बहुत फास्ट आपका दिमाग चल रहा होता है कि सब कुछ कवर करना है फिज़िक्स भी कवर करनी है बायोलॉजी मैथ्स भी कवर करना है सारे क्वेश्चन करने हैं सॉल्व टाइम बहुत कम है तो आप ये भी कर देते हो गलतियाँ बहुत होती हैं और ये प्रैक्टिस के साथ आपके हाथ को पता होना चाहिए कि जब मैं ये रिएक्शन की बात करूँ इसमें ऐसा नहीं होगा ठीक है एंड यहाँ पर अगर वो सेम फेस में है तो होमोजीनियस रहता है बट अब यहाँ पर हैट्रोजीनियस की एग्जाम्पल कौन सी है देख कर पता चल रहा है विच ऑफ रिप्रेजेंट्स पहले रिएक्शन को देखूँ सॉलिड एक्वस एक्वस सॉलिड है सेकेंड में भी है थर्ड में भी है ऑल ऑफ दीज ये सारे हाइड्रोजीनस एक्लिब्रियम की एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी भी बात करेंगे बट उससे पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ली चैकलियर प्रिंसिपल का हाँ पहले मैं चाहती हूँ कि ऐसा आइडिया आपके माइंड में हो जाए उसके बाद हम बात करने वाले हैं अल्फा की विच इज़ लाइक टू क्रूशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेंगे उसकी बात भी ठीक है पहले इसको देख लेते हैं अब मैंने क्या बताया था अब आप हाँ पढ़ने बैठे हो आपने कोई बैलेंस अपटेन कर लिया है आपने सोचा था कि मुझे इतनी मेहनत करनी है दोनों सिलेबस के बीच में एक एक लिब्रियम बिठाना है बैलेंस लाना है बट मैं मैंने क्या बोला कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको डिस्टर्ब करेंगे तो आपका टेंडेंसी क्या होगा आपका नेचर क्या होगा कि आपको उसे ओवरकम करना है आपको होने नहीं देना आपका मन कर रहा है फ़ोन चलाने का कोई मैच आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है कौन मिस कर रहा है है ना सबको देखना है बट आपका माइंड रजिस्ट कर रहा है कि नहीं अभी बस दो साल मेहनत कर ले सब फिर मैच ही मैच देखेंगे ठीक है अब यहाँ पर ये वही कर रहा है कि इकलिब्रियम को रिएक्शन को डिस्टर्ब करने बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो इसको वो चेंज के ऑपोजिट चीजें करनी है ताकि काउंटर हो जाए दैट इज ली चैट योर प्रिंसिपल स्टेटमेंट को देखो चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर जो कि दिब्रेम की कंडीशन को डिस्टर्ब करेगा तो इसको क्या करेगा काउंटर एक्ट के ऑपोजिट करना है कि अगर कोई चीज ज्यादा हो रही है तो मैं दूसरी साइड से कम कर दू ठीक है दूसरी साइड से कम कर दू बैलेंस आ जाएगा समझते हैं जैसे मैं सी सो बैठी हूं इस साइड ऐसे ऐसे जा रहे हैं एक साइड वेट बहुत ज़्यादा हो गया तो दूसरे वाला क्या करेगा इस साइड से उठना पड़ेगा ताकि इक्वल आ जाए अगर ये पेन इस साइड गिर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी ऑपोजिट साइड ऐसे लेके जाना पड़ेगा तो मुझे काउंटर चीज़ें करनी पड़ रही है ना तो सेम चीज़ हो रही है अब इसको एक एक चीज़ अब ये तो आपको पता है मैंने बता दिया कि अगर आप पढ़ने बैठे हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं बट ऐसे ही अगर मैं बात करूँ अपने रिएक्शन की तो रिएक्शन को कौन कौन सी तो रिएक्शन को कौन कौन सी चीजें डिस्टर्ब करती हैं रिएक्शन को चीजें डिस्टर्ब करती हैं जैसे कि कंसेंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम इनर्ट गैस तो उसको समझते हैं ये सारे फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं कंसेंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम गैस टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ठीक है अब पहले कंसेंट्रेशन का चेंज समझ लेते हैं ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी सोचो रेक्टेंट साइड की जो कंसेंट्रेशन है बहुत बढ़ गई इस साइड से बढ़ गई क्लिबरियम पे दोनों का सेम होना चाहिए था इस साइड बहुत ज्यादा हो चुकी है तो रिएक्शन क्या कहेगा कि इधर की कम होगी प्रोडक्ट की तो ये क्या करेगा प्रोडक्ट की बढ़ाओ प्रोडक्ट की बढ़ाओ और जब प्रोडक्ट की कम बढ़ेगी जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि जब मैं इधर इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ तो इनकी कम होगी तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों इक्वल रहें रहे पर दोनों को हमें प्रायोरिटी देनी है तो जब ये बढ़ गया तो रिएक्शन क्या बोलेगा चलो बढ़ो चलो आगे चलो तो ये बढ़ेगा तो मतलब जब मैं रिएक्टन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूं तो रिएक्शन क्या जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं प्रोडक्ट की बढ़ा दू अगर प्रोडक्ट मैं बहुत ज्यादा कर दू प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दू मैं तो अब क्या हो जाएगा इधर कम हो जाएंगे तो रिएक्शन कहेगा कि रेक्टेंट बढ़ाओ रेक्टेंट बढ़ाओ रेक्टेंट बढ़ाओ मतलब बैकवर्ड जाओ तो नहीं पॉसिबल ठीक है ऐसे ही अगर मैं बी रिमूव कर दूं मैं बोलूं कि बी रिमूव कर दी मैंने तो कम हो गया ना रेक्टेंट तो रिएक्शन क्या बोलेगा कि बोलो सी और डी वापस जाओ बी को बढ़ाओ बी खत्म हो गया बी को जाओ सो वो बैकवर्ड आएगा ठीक है तो किसी की इसकी मैं कम करूंगी तो बैकवर्ड अगर मैं ज्यादा करूंगी तो फॉरवर्ड सिंपल सा याद रख लो अगर ये काउंटर अटैक का समझ नहीं आता रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगी बस इतनी सी बात है अब ये बता दिया है मैंने अब सेकेंड क्या आ जाएगा मेरे पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर अब सोचो मेरे पास यही रिएक्शन है एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एच थ्री ये हो रहा है मेरे पास अब मुझे प्रेशर की बात करनी है मैं ये बता दूं अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ़ मोल हैं और डेल्टा एन जीरो है प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रेशर का कोई चेंज नहीं होगा ठीक है अब अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया इस साइड नंबर ऑफ मोल की साइड ज़्यादा है इस साइड चार है इस साइड दो है तो जब प्रेशर मैंने बढ़ा दिया अब प्रेशर तो ऐसा नहीं होगा कि रेक्टेंट साइड बढ़ गया या प्रोडक्ट साइड बढ़ गया वो तो सेम ही बीकर में रिएक्शन तो सेम ही बीकर में हो रहा है जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो तो सेम ही बीकर में कर रहा है मैंने यहाँ पर प्रेशर डाला सारे क्या आगे पास पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी तो वॉल्यूम क्या होगी कम अगर प्रेशर बढ़ गया प्रेशर बढ़ गया नंबर ऑफ यहाँ वॉल्यूम क्या हो गई कम बट नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए बढ़ गए यहां पर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या गई कम

क्वल टू एनवी अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं रिएक्शन नहीं चाहता नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो वो चाहेगा कि अगर वो इंक्रीज कर रहे हैं मैं कम कर दूं तो वो कम करेगा तो कम वाली साइड वाले रिएक्शन को वो प्रेफर करेगा सो रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन जिस साइड कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे अब जैसे एग्जाम्पल करते हैं यहां पर हमें पूछा है कि क्या होगा इस रिएक्शन में ए जा रहा है बी की तरफ किस साइड नंबर ऑफ मोल ज्यादा है बी की तरफ हमें पूछा है कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा प्रेशर इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा क्योंकि उस डायरेक्शन में जाएगा क्यों जिस डायरेक्शन में ओवरकम करे वो उस फैक्टर को अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं तो उसको कम करने हैं तो वो कम की साइड जाएगा ठीक है दिस इज अबाउट प्रेशर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है दो तरह के रिएक्शन होते हैं ऐसे इस चीज को नहीं पढ़ना ये आपके नोट्स के लिए मैं ऐड कर देती हूँ साइड में कि जिनको समटाइम्स ये पढ़ के समझ आता है दे कैन अंडरस्टैंड बट जो मैं लिख रही हूँ उस पर फोकस कर लेना एक्सो एंड एंडो रिएक्शन होते हैं एक्सो मतलब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव इसके लिए पॉजिटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और अगर आप एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या जाएगा फॉरवर्ड इसको कैसे समझना है मेरा रिएक्शन ऐसा है ए प्लस बी सी प्लस डी रियक्शन में बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बहुत ज़्यादा हीट और मैं फिर भी टेम्परेचर बढ़ाती गई मैं टेम्परेचर बढ़ाती गई टेम्परेचर इंक्रीज कर दी गई ऑलरेडी इतनी हीट निकल रही है तो वो सारी हीट जो है वो फिर से क्या यूज़ हो जाएगी वापिस से रेक्टेंट बनाने के लिए वापिस से रेक्टेंट बनाने के लिए तो मुझे अगर रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करना है एक्सोथर्मिक कंडीशन में तो मुझे क्या करना पड़ेगा रिएक्शन को स्लो रखना पड़ेगा लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा बट अगर मैं बात करूँ एंडोथर्मिक की वहां पर इस साइड कम हीट है इस साइड कम हीट है मैं इस साइड बढ़ा रही हूँ तो रिएक्शन क्या चाहेगा कि बढ़े ना जिस साइड कम है उस साइड भी इक्वल हो तो वो फॉरवर्ड जाएगा कि चलो उस साइड की बढ़ाओ सो so, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और ऐसे याद रखो कि जब रिएक्शन एग्डोथर्मिक है उसको एनर्जी चाहिए और उसको मिल रही है तो वो खुशी खुशी आगे जाएगा ना सो दिस विल हैपन तो ये जो दो लाइन मैंने लिखी हैं, ये सारांश है ये, ये समरी है इस टेम्परेचर वाली टर्म्स की ये सबको पता ही है पॉजिटिव टेम्परेचर इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस नेगेटिव एनर्जी एक्जोथर्मिक डेल्टा इच डिक्रीज करती है सो so बस ये चीज याद रख लेनी है क्या होगा इनके बीच में प्रेशर का कंसंट्रेशन का टेम्परेचर का इन तीनों का इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम का सिमिलर रहता है हमारा प्रेशर वाला एंड इनर्ट गैस की एडिशन तो अगर इनर्ट गैस की एडिशन हो रही है इनर्ट गैस की एडिशन से कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है इनर्ट गैस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, है ना इस चीज का ख्याल रखना है एंड हमारे पास कैटलिस का आता है कैटलिस का क्या फर्क पड़ेगा मैं आपके लिए एक कैटलिस का, का काम कर रही हूँ आपको जाना है आपकी डेस्टिनेशन है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जेई बोट्स हम यहाँ से चले हैं मेरा काम है आपको यहाँ तक पहुँचाना जल्दी जल्दी पहुँचाना वन शॉर्ट में सारा चैप्टर कवर करवाना जो कि एक महीने में होता है तो मैं क्या कर रही हूँ आपका रैशनल रेट फास्ट कर रही हूँ बट ऐसा तो नहीं है कि मैं आपकी जगह पर बैठ के एग्जाम देने वाली हूँ ये मैंने पहले भी किसी क्लास में एग्जाम्पल ली है सो so, आपका काम है वो पढ़ना वो आप करोगे रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट का लेना देना है आपस में कंसंट्रेशन बढ़ाना कम करना कैटलिस्ट सिर्फ इंक्रीज करेगा कैटलिज सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने वाला है सो so यहाँ पर कैटलिस का जो रिएक्शन के है हैिब्रियम पे कोई फर्क नहीं है ये बस रिएक्शन को फास्ट करता है जो काफी स्लो स्लो हो रहा था अगर आप बहुत ऐसे लेजी से होकर बैठे हो कि नहीं पढ़ाई करने का मन कर रहा तो मैं आपको फोर्स करूंगी कि डू इट यू कैन डू इट सारे न्यूमेरिकल यू कैन सॉल्व इट यू कैन फिनिश थर्मो यू कैन डू दैट इज अ वर्क ऑफ कैटलिस्ट ठीक है अब जैसे ये रिएक्शन का मुझे बताना है अब ये रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड जाएगा नहीं हमें बताना है यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर प्रोडक्ट की लो मतलब रिएक्शन बैकवर्ड कब जाएगा बैकवर्ड कब जाएगा खुद भी आंसर करो क्या आंसर आएगा जब 2a b किस साइड नंबर ऑफ मोल ज्यादा है किस साइड नंबर ऑफ मोल ज्यादा है रिएक्टेंट साइड 3 है प्रोडक्ट साइड 2 है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए प्रेशर इंक्रीज करने पे बट मैं तो प्रेशर डिक्रीज करूंगी ना क्योंकि मुझे बैकवर्ड आना है तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए हीट निकल रही है तभी इस साइड ऐड करी है हीट निकल रही है मतलब एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो बैकवर्ड आता है तो मुझे टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है प्रेशर डिक्रीज़ करना है लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर डी इज़ द राइट ऑप्शन ठीक है सो तो ली चैटलियो प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझ लेनी है कंसंट्रेशन को अगर आप बढ़ाते जाते हो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा अगर प्रेशर बढ़ाते जाते हो तो वो कम मोल वाली साइड जाएगा टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो एक्सोथर्मिक में रिएक्शन बैक जाएगा टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर रहे हो एंडोथर्मिक में तो आगे जाएगा इनर्ट गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैटलिस्ट ऐड करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डन इतना सा ली चैटलियो प्रिंसिपल था नेक्स्ट क्वेश्चन ली चैटलियर इज नॉट एप्लीकेबल टू वर्ट कौन सी पे एप्लीकेबल नहीं है ए पे देखते ही पता चल गया सारे सॉलिड स्टेट में है गैसीय स्टेट में होना चाहिए था ठीक है सॉलिड स्टेट में वो नहीं आएगा ऑल राइट right. तो इस चीज का ख्याल रखना है यहां पर सॉलिड 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 गिवन थे वहां पर हम कंसिडर ही नहीं करते हैं नेक्स्ट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन हमें बताना है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा रिएक्शन हीट निकल रही है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा एंड नंबर ऑफ मोल्स की साइड ज़्यादा है रिएक्टेंट की साइड ज़्यादा है रिएक्टेंट की साइड नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है प्रोडक्ट की साइड कम है तो मुझे प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर सकती हूँ मैं तो इंक्रीजिंग दी कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया नहीं अगर मैं इसकी कंसनट्रेशन बढ़ा दूंगी रिएक्शन तो पीछे आएगा सो नो यूज बाई डिक्रीजिंग द प्रेशर नहीं प्रेशर तो मुझे इनक्रीज करना है सो so ये भी नहीं डिक्रीजिंग दी कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन नहीं इनको इनक्रीज करो एंड लास्ट इज बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर एग्जैक्टली तो मैंने क्या करा ना साइड में लिख लिया प्लीज पहले साइड में लिख लेना सारी ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो ठीक है एक टेबल बना लेना इन चीज़ों का ओके okay? सो so, यहाँ पर यह बात तो होती है हमारे पास ख़त्म तो यहाँ पर ये केमिकल इक्लिब्रियम की बात यहां तक खत्म होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की करेंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको भी बात करेंगे बट अब बात कर लेते हैं आइनिक एक्लिब्रियम की ठीक है ओके तो अभी तक जितने भी हमने एक्लिब्रियम की बात करी है अब तक क्या मैंने एक बार भी आइनिक वर्ड यूज करा अब हम बात करने जा रहे हैं आइनिक एक्लिब्रियम की बट अब यहाँ से जो शुरुआत होगी जर्नी की वो डिफरेंट होगी थोड़ी एज कम्पेयर टू तो जो अभी तक कर रहे थे अभी तक हम जनरल बात कर रहे थे अबाउट ऑल दी मॉलिक्यूल्स हमने अमोनिया वाली एग्जाम्पल ली हेबर प्रोसेस की हमने पी सी एल फाइव करा या हमने कोई भी एग्जाम्पल ली किसी में कोई आयन की बात नहीं आई बट अगर मैं बात करूँ आयनिक इक्विलिब्रियम की, की इसमें सारे आइन्स ही आने वाले हैं एंड आइंस कैसे जैसे ये कोई सॉल्ट आयन सबको पता है कर मैं आयन का नाम लेती हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है सॉल्ट्स आते हैं राइट तो जब सॉल्ट्स आएंगे पहले इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे फिर एसिड बेसिस की बात होगी अब उसके बाद से फिर पी की बात होगी पी है तो उसके बाद एक इक्वेशन आएगी एंड बफर्स आएंगे कॉमन आइन इफेक्ट आएगा तो ये सारी चीज़ें अभी हमें कवर करनी है पहले इस इक्वेशन को देखो ये एक आयरन है ना आयरन का ये एक कैटायन है फेरिक और ये ऐसी से कंबाइन कर रहा है ये सॉल्ट बना रहा है सॉल्ट है आयन प्रेजेंट है कैटायन एंड अन बट अब मिक्स होने के बाद इनके बीच में एक हो गया जब भी कोई सॉल्ट मिक्स होता है ना पानी में भी मिक्स होता है तो वहां पर भी हमारे पास जो वीक सॉल्ट होते हैं वीक वीक एसिड्स बेसिस वो एज अ कंडीशन रहते हैं वहां पर ठीक है उससे पहले हम एक वर्ड समझ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स Electro क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जैसे आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे जो प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक्स वगैरह में रनिंग करते हैं वो क्या करते हैं दे ऑलवेज कंज्यूम सम इलेक्ट्रोलाइट्स आप कभी ग्लूकोन डी लाते हो उसमें भी लिखा होता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं राइट कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है अब उस इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब क्या है कि उसमें वो आइंस प्रेजेंट हैं और हमारी बॉडी को वो आइंस चाहिए होते हैं वैसे तो जैसे सोडियम है आयन ऐसे पोटाशियम आयन चाहिए होता है सो आइन्स आइंस वो होते हैं ऐसे सॉल्ट हम कंसीडर कर लेते हैं कि जब जैसे ही उनको पानी में डाला वो हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन होगी हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन होगी इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेती हूँ जैसे सपोज आपकी क्लास के दस बच्चों की मैंने रेस करवाई है दस बच्चे रेस कर रहे हैं दस में से जो पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड आने वाले हैं मैंने उनको बोला भागो 100 मीटर की रेस थी दो मिनट में खत्म कर दी दो मिनट भी ज़्यादा बोल रही हूँ एकदम से ख़त्म कर दी एंड लाइन तक गए हैं बहुत कम टाइम में हंड्रेड परिएशन हो गई है वो भी बहुत कम टाइम में जैसे कि NACL के केस में जैसे KCL के केस में ऐसे इन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स दूसरी साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है मतलब वो बच्चे जो नहीं भाग पाए शायद कोई हेल्थ इशू होगा शायद मन नहीं था शायद धक्के से भाग रहे थे तो सपोज किसी की पैरों में चोट लगी और उसको मैंने बोल दिया कि भागो आई एम वेरी क्रूअल पर्सन वो बच्चा भाग रहा है अब थोड़ी दूर सपोज यहाँ से लेकर वहां तक जाना है तो शायद यहाँ तक आते आते वो यहाँ तक पहुंच ही ना पाए वो यहीं पर कुलप्स कर जाए तो यहाँ से यहां आने में टाइम भी बहुत लिया और फिर आगे जा भी नहीं पाया मतलब जब इनकी बारी आई डिसोसिएट होने की पानी में तो ये डिसोसिएट नहीं हुए ये काफी कम डिसोसिएशन हुई थर्टी फोर्टी परसेंट थर्टी फोर्टी परसेंट के हिसाब से हमें दिखाना पड़ता है कि कितनी डिसोसिएशन हुई इधर इधर तो तो हो गई। तो इधर हम डिसोसिएशन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं अल्फा अल्फा को यूज करेंगे कितना टूटा पे पे, है कितना हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन हुआ है कम हुआ है अगर मैंने बोला फोर्टी परसेंट डिसोसिएशन है तो वो कितना होगा जीरो पॉइंट फोर अल्फा की वैल्यू जीरो पॉइंट फोर होगी इसकी अल्फा की वैल्यू सो so, अगर वो अप्रोच कर रही है वन को मतलब हंड्रेड परसेंट हो चुका है ओके एंड यहीं पर इक्लिब्रियम स्टेब्लिश होता है अगर हम बात करें सिंपल सॉल्ट की स्ट्रोंग सॉल्ट की या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वहां पर एकब्रियम स्टेब्लिश नहीं होता वो पूरा का पूरा हो जाते हैं बट ये एक पॉइंट पर आकर इक्लिब्रियम अपटेन कर लेते हैं अब जब इक्लिब्रियम अपटेन कर लेंगे वहां पर दोनों ही प्रेजेंट होंगे वहां पर हमारे आइंस भी प्रेजेंट होंगे और हमारा मॉलिक्यूल मेन भी प्रेजेंट होगा ठीक है तो ये डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट अब अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछू विच ऑफ फॉलोइंग नॉट बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर सबको पता है ये तो ना जैसे मैं बोलू एसिड्स के तीन खान है शाहरुख खान सलमान खान एंड आमिर खान ये तो तीन मेन है अगर कोई ऐसा आ जाए जिसका नाम आपने बहुत कम सुना हो सॉल्ट बेसिस एसिड्स में वो यहां पर है अमोनिया अमोनिया एक वीक बेस है वीक बेस है बहुत पानी में जाकर कम डिसोसिएट करता है एंड ये एक वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर होगा ठीक है अब कंसेप्ट तो आपने ये ऑलरेडी सुने हुए हैं मेरे पास जैसे एक्व सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होगा अगर सपोज मैंने एसिटिक एसिड को डिजोल्व करा ये वो बच्चा है जो भागना नहीं चाहता था वो भागना नहीं चाहता था अब मैंने इसको बोला भागो तो पानी में क्या आ जाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव अब पानी में सिर्फ ये नहीं प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट है ठीक है ये तीनों प्रेजेंट है अब पानी में डिजोल्व करा है सो क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर ये पानी में हो जाएगा एच थ्री पॉजिटिव राइट एच थ्री ओ पॉजिटिव हो जाएगा ये भी प्रेजेंट है ये भी तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ये पॉजिटिव इधर आएगा सो होता क्या है ये हमेशा इकलिबरिया में रहते हैं जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट्स के साथ कभी कंप्लीट डिसोसिएशन होगी नहीं कभी कम्पलीशन तक नहीं जाएंगे ये इसीलिए इन्हें वीक कंसीडर करते हैं देखो वीक आप इन्हें कंसीडर कर रहे हो कि वो नहीं जा रहे हैं। है ना और इसका मतलब ये है कि एक लिबरीब्लिश कर लिया है इस चीज का ख्याल रखना कि बैलेंस है दोनों के बीच में ठीक है अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये तो टेंथ क्लास में पूरा चैप्टर कर रखा है एटलीस्ट ये तो वो चीज है जो डिलीट नहीं हुई आपके सिलेबस से बाकी तो बहुत सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं अब इसको अभी अगर मैं पूछूं आपसे कि एसिड्स क्या होते हैं कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये ना लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं ये ना सोर होते हैं टेस्ट में बच्चे वो ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनकी प्रॉपर्टीज़ है मतलब मैं पूछूँ अगर आपसे कोई पूछे कि सुमन मैम कौन है आप बोलो वो अच्छा नहीं पढ़ाती किसी को क्या लेना देना कि अगर मेरे को बारे में पूछ रहा है कि वो पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही अच्छा आपको बताना है कि शी इज़ अ केमिस्ट्री टीचर या उनका नाम ये है वो यहाँ से हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं दैट इज़ माई इंट्रोडक्शन बाकी मेरी काम कैसे कर रही हूँ दैट इज़ माई प्रॉपर्टी ओके या बोल रहे हो मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है मैम सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन देती हैं तो वो सब क्या कंसीडर होंगी मेरी अच्छी वाली प्रॉपर्टीज कंसीडर होगी ओके यहाँ पर अब हमारे पास एसिड और बेसिस की अगर आप जो डेफिनेशन बोलते हो कि एक्वा सोल्यूशन में वो क्या देते हैं एच पॉजिटिव आयन एंड बेसिस क्या देते हैं ओ एच नेगेटिव आयन राइट हम यही बोलते हैं बट अब यहाँ पर क्या हुआ मेरे पास तीन थ्यूरीज हैं ये तो आपको पता था कुछ आगे भी तो पढ़ना है ना इलेवेंथ क्लास में हो गए तो थोड़ा सा लेवल अप होगा लेवल अप होने के टाइम पे हमारे पास ये तीन थ्योरीज आएंगी लॉरी एंड लियोस बेसिस बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज है क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं तो पहली है अरहीनियस थ्योरी अर्नीनियस थ्योरी क्या कहती है वही जो आपको पता है कि जो क्या करते हैं एच पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं पानी में वो क्या होते हैं एसिड्स एंड जो रिलीज करेंगे ओ एच नेगेटिव इन वॉटर वो क्या होंगे वो होंगे बेसिस अब यहां पर कौन कौन सी एग्जाम्पल आ सकती है जैसे आ सकता है एच सी एल एच टू फोर एच एन ओ थ्री ये तीन में नहीं लिख रही हूं इधर कौन आ सकते हैं एन ए ओ एच के ओ एच सी एच तो ये सारे आ सकते हैं है ना ये एसिड है ये बेसिस हैं इतनी आसान सी थ्योरी दी थी बट ये ना सबके लिए एप्लीकेबल नहीं थी कुछ ऐसे भी एसिड हैं जिनमें हमारे पास एच एच नहीं प्रेजेंट कुछ ऐसे भी बेसिस हैं जैसे अमोनिया एन एच थ्री इसमें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें तो है भी नहीं ओ एच फिर भी तो वो बेस है तो ये इसकी लिमिटेशन में आएगा कि ये थ्योरी सिर्फ अप्लाई होती है एक तो एक्वा सोल्यूशन में दूसरे ये सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन जिनमें नहीं प्रेजेंट होगा वो भी शो करते हैं जैसे कि अमोनिया अमोनिया भी एक बहुत अच्छा बेस है बट बहुत अच्छा नहीं मतलब बेस की कैटेगरी में आता है बट वो यहाँ पर कंसीडर नहीं करा अनियस ने फिर हमारे पास आती है ब्रॉन्सटेंट लोरी थ्यूरी ये क्या कहती है कि एसिड तो ठीक है जो एच पॉजिटिव देगा वो एसिड है बट जो एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा वो बेस हो जाएगा मतलब जैसे मैंने एन को पानी में डिसॉल्व करा तो मेरे पास क्या बन रहा है इसने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया इसने वाटर से एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे पास क्या बना ओएच OH निकल आया ओएच OH नेगेटिव ध्यान से देखो मैं दोबारा बोल रही हूँ उसको थ्री बेस था तो इसने क्या करा एक प्रोटोन जो एक्सेप्ट करता है ठीक है बेस प्रोटोन उसने एक प्रोटोन एक्सेप्ट से जिसमें थे ये ये इसने ले लिया NH4 बन गया, और ये क्या कर कर रहा है है, है, तो देखो वो वो दोनों में ढल जाता भी लेता है वो भी, कर लेता, वो base भी कर लेता है, तो अब ये एसिड और बेस है तो ये थ्यूरी ल्यूरी ने दी थी बट इससे आगे थोड़ा उन्होंने एक चीज के बारे में बताया दैट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स का ध्यान से सुनना अब क्या हो रहा है यहां पर एनएच फोर अब इस पर हाइड्रोजन ज्यादा है ये बिहेव करता है एज अ कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड और ये क्या बिहेव करेगा एज अ कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बेस अब चीज याद रखना वाटर इज नॉट अ गुड एसिड और बेस ये तो एम्फोटेरिक है ओ एच नेगेटिव बहुत अच्छा बेस है वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बहुत ही स्ट्रांग होगा कॉन्जुगेट वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्ट्रांग होगा ऑपोजिट चलेंगे ऑपोजिट ठीक है इसको ऐसे समझना है कॉन्जुगेट एसिड का अगर एसिड है कॉन्जुगेट तो अगर ये स्ट्रांग है तो वीक होगा बहुत बेस इसका ठीक है और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं एच एफ एच एफ की एग्जाम्पल लेते हैं तो यहां पर ये टूट रहा है क्या बनेगा हमारे पास F नेगेटिव प्लस एच थ्री ओ पॉजिटिव अब यहां पर एच एफ क्या है एक अच्छा एसिड है एसिड है तो इसका ये F नेगेटिव क्या होगा कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बेस और ये क्या हो जाएगा ये तो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा और ये क्या बिहेव कर रहा है एज अ बेस ठीक है अब यहाँ पर एच एफ अगर स्ट्रोंग एसिड है तो इसका जो एफ नेगेटिव है बहुत ही वीक बेस होगा और अगर ये बेस बिहेव कर रहा है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो बहुत स्ट्रांग होगा बहुत स्ट्रांग होने वाला है ठीक है वहाँ पर एच पॉजिटिव है ना देखो एच एच थ्री पॉजिटिव मतलब एच पॉजिटिव तो ऑपोजिट हमेशा होगा ठीक है ये थ्योरी थी ब्रॉन्सटेंड एंड लॉरी की अब इसमें भी क्या कमी थी में हमें उसने अच्छा पहले ये चीज मैं बताई दी एसिड वीकर इज दी दुगेट बेस रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस हाँ तो रिएक्शन हमेशा ऐसे होगा कि स्ट्रॉन्ग से हमेशा वीकर ही बनेगा तब बनेगा वो रिएक्शन तभी होगा ओके okay? अब इसकी लिमिटेशंस करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इसने ना कुछ ऐसे आइडियाज नहीं बताए जैसे बी एफ थ्री बी एक बी एफ थ्री बी एक एसिड है कैसे है इसने वो आइडिया नहीं दिया इसने भी वो चीजें नहीं डिस्कस करी जैसे लोन पेयर्स कैसे रोल प्ले करती हैं वो सब डिस्कशन नहीं करी अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कॉन्जुगेट बेसिस फॉर पेयर एंड मैंने करवाया था सो so इसके लिए क्या आएगा वी जस्ट डिड इट एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव कितना आसान सा क्वेश्चन था मुझे पता था ये आने वाला इसीलिए आई जस्ट पुट इट देयर ओके अब नेक्स्ट आता है मेरे पास ल्यूस एसिड थ्यूरी ऑफ एसिड एंड बेसिस अब ये ल्यूस एसिड बेसिस थ्यूरी जो है मेरी सबसे फेवरेट थ्यूरी है क्योंकि ये ना ऑर्गेनिक में भी काम आती है इसमें जो कंसेप्ट आने वाला है वो ऑर्गेनिक में भी आएगा इसको ध्यान से सुनना है ये अब बात कर रही है एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव की टर्म में बात नहीं कर रही है. ये बात कर रही है कि कौन इलेक्ट्रॉन रिच है एंड कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाला कंसेप्ट सा एम्प्लाई कर रही है ये अब यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट अगर मैं बात करूं बी एफ थ्री की बरोन का नंबर क्या है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बरोन पाँच है इसकी वेलन शैल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल कितने हैं इसके पास वन एस टू टू एस टू टू पी वन अब इसके राउंड कितने हैं इसमें टोटल थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करनी है या तो तीन निकाल दे या पांच गेन कर ले आठ चाहिए पर इसके साथ ना आठ चाहिए थे बट इसके साथ सिर्फ तीन ही फ्लोरीन लगे हैं तीन ही फ्लोरीन लगे हैं तो क्या इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई लेट्स ड्रॉ स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रक्चर तो आपको सबको आती होगी ये स्ट्रक्चर हम हमेशा ड्रॉ करते हैं तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले तीन फ्लोरीन, तीन तो इसके अलावा तो छः इलेक्ट्रॉन्स हुए तो क्या इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई नहीं हुई ना इसकी ऑक्टेट पे जा रही कंप्लीट ही नहीं हुई फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो इसे हम एसिड बोलेंगे ठीक है एसिड हो गया अगर मैं बात करूं अमोनिया की अगर मैं बात करूं अमोनिया की अमोनिया में क्या है पिरामिडल स्ट्रक्चर रहती है टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी सो so, साइड में ड्रा करते हैं तो so, क्या आएगी NH3 यहां पर दो एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मतलब अब ये दानी सज्जन बनेगा अब ये डोनेट करेगा अब जब डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो इसे हम कहते हैं एज पर दिस थ्योरी बेसिस तो एसिड हमेशा डेफिशेंट होंगे एंड बेसिस हमेशा डोनर होंगे ठीक है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को उधर डोनेट कर देगा तो इनके बीच में ये एक बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ल्यूस एसिड एंड लुइस बेसिस और कौन कौन सी टाइप है लुइस एंड बेसिस की जैसे जिनकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पता हो उसमें ए एल सी एल थ्री एफ पी सी एल थ्री तो समझ जाना वो एक लुइस एसिड है और क्या है जिसमें क्या हो डी ऑर्बिटल्स खाली अगर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं कोई वन टू थ्री फोर अगर सपोज ये ऑर्बिटल्स खाली ऐसे हो जाए तीन ही हैं इसमें अब इसमें वेकेंट ऑर्बिटल्स अगर प्रेजेंट हो तो ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये भी क्या करते हैं एज एन एक्ट एज एज एसिड वेल सिंपली जिनके पास पता ही है हमें जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए दे ऑलवेज बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट स्पीशीज तो वो भी लुइस एसिड एक्ट करते हैं ऐसे ही बेसिस के केस में क्या होगा जिनके पास हमारे पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हो बेसिस के पास लोन पेयर जैसे अमोनिया वाटर के पास भी दो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन पे तो वे ये भी बिहेव करते हैं एज अ बेस अदरवाइज जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है जैसे ओएच नेगेटिव सो ये क्या बिहेव करेंगे एज अ लुईस बेस ओके तो इतना आसान सा और इतना इंटरेस्टिंग सा है इनका कंसेप्ट लुईस एसिड एंड बेसिस का इसके बाद एसिड एंड बेसिस की बात तो ये तो किस चीज की बात आनी चाहिए पीएच की बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उंड लाइकली टू बिवस बेस कौन बिहेव करेगा ये तो हमारे देख लिया एसिड है कार्बन फैमिली जो है ये इन्वॉल्व नहीं होती है इन चीजों में बट पी एफ थ्री जो है वो एन एच थ्री के बिल्कुल नीचे रहता है इसके ऊपर एक लोन प्लेयर होगी तो ये बिहेव करेगा एन एच थ्री के है ना नीचे जो एन एच थ्री का बिहेवियर है वो वही इसी का होगा ठीक है अब राइट दी कॉन्जुगेट एसिड्स फॉर दीज वंस हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन है NH2 ये एक ब्रोंस्टेड बेस है हमें इसके लिए इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना पड़ेगा कॉन्जुगेट एसिड अब इसमें क्या होगा वाटर की एडिशन होगी यहाँ पर क्या आ जाएगा NH3 क्योंकि ये एक क्या कर रहा है एक H पॉजिटिव गेन कर रहा है सेम गोस विद NH3 इसका तो हमने बहुत बार कर लिया एक लिब्रियम सिंबल डाल देंगे सो so, ये क्या करेगा एन एच फोर पॉजिटिव हो जाएगा एच सी ओ फॉर्मेट आयन ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा ये भी एक गेन कर लेगा हाइड्रोजन तो इस पे आ जाएगा एच सी ओ ओ एच ये एसिड बनेगा अब ठीक है अब ये सारे केसेस में बाई प्रोडक्ट क्या रहेगा ओ एच नेगेटिव साथ में आ जाएगा क्योंकि वाटर से एच पॉजिटिव तो इन्होंने ले ली ठीक है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है

So, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है कमी हो गई है जब जिसको कमी होगी वही डेफिशिएंट फील करेगा ना मेरे पास क्या हो मेरे पास भूख लगी है मुझे और मेरे पास खाना नहीं है तो तो आई एम डेफिशिएंट पर सेम है है उसका ठीक सो so, इस चीज़ से इनको आप जज कर सकते हो कितना ईजी क्वेश्चन एंड बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने में क्योंकि आपको तीन चार ऑप्शन में एक आधी तो ऐसी कॉम्प्लेक्स ही ऑप्शन दे देंगे जिसमें आपको आइडिया नहीं आएगा कि क्या करना है ठीक है सो बी रेडी फॉर दीज थिंग्स अब यहाँ पर अब बात होगी सेल्फ आइनाइजेशन ऑफ वाटर की सेल्फ आइनाइजेशन करने से पहले हम क्यों कर रहे हैं ये क्योंकि हमें समझना है पी का कंसेप्ट तो वाटर एक सेल्फ सफिशिएंट सा एक ऐसा स्पीशीज रहता है जो दोनों की तरह एक्ट कर लेता है कुछ लोग होते हैं ना कि वो कहीं पे भी जाते हैं वो वैसे हो जाते हैं गंगा जाए गंगा दास जमुना जाए जमुना दास वो वाला मुहावरा है ना तो वो वाटर पे पूरी अच्छे से अप्लाई होता है कैसे अप्लाई होता है कि जैसे इसको एसिड में डाल दिया बेस के जैसे बिहेव करेगा इसको बेस में डाल दिया ये एसिड जैसे बिहेव करेगा सबको है बट अपने साथ ये कैसे बिहेव करता है तो जैसे मैं लिख दूँ एच टू ओ को फिर एच टू ओ के साथ ही कंबाइन कर दूं लिक्विड है बट जाते ही केस में डिसोसिएशन होनी चाहिए एक्वस एच पॉजिटिव एंड एक्व नेगेटिव में तो ये अगर खुद ही एसिड है और खुद ही ये बेस है तो ये क्या आ गया इसका कॉन्जुगेट बेस और ये क्या आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना रहा है अब अगर मैं इसकी के की वैल्यू के की वैल्यू याद है ना के इज जो भी प्रोडक्ट होंगे उसके ऊपर इनका जो रिएक्टेंट कहा गया उससे डिवीजन कर देंगे एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव बस नीचे डिवीजन में कुछ नहीं आएगा नीचे डिवीजन में मैं लेने वाली थी क्यों नहीं लूंगी क्योंकि वो है लिक्विड स्टेट में एंड हमने हाइड्रोजीनस इकलिब्रिया में करा है लिक्विड एंड सॉलिड के लिए यूनिटी रहता है तो so, ये जो K इज इक्वल टू एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव आया है K इज इक्वल टू एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव आया है इसे हम कहते हैं सेल्फ आइनाइजेशन एंड आइनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर दिस इज आइनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर

तो अगर प्योर वाटर है प्योर वाटर, दोनों प्योर वाटर में क्या होगा प्योर वाटर में हमारे पास एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इक्वल रहती है नेगेटिव के इक्वल, राइट? तो यहाँ पर प्योर वाटर की पी एच क्या रहती है सेवन सेवन रहती है ना वो सेवन यहीं से आता है अब सेवन कैसे आता है वो इंटरेस्टिंग सा रहेगा चलो यही थोड़ा सा ना एक आइडिया दे देती हूँ मैंने क्या बताया टेन टू पर माइनस एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है टेन टू पर माइनस सेवन जो कि बहुत कम वैल्यू है बहुत कम वैल्यू लग रही है ना तो मैं इसको माइनस सेवन को आगे ले आती हूँ तो सेवन वैल्यू आ जाएगी तो वो तो सेवन तो पता लग रहा है तो अगर मैं इस दोनों का माइनस लॉग ले लूँ माइनस लॉग ले लूँ एच पॉजिटिव कर दू और ये इसका माइनस लॉग है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस सेवन लॉग हो जाएगा टेन का और ये लॉग टेन अगर वन है तो ये सेवन माइनस लॉग ऑफ पी एच क्या है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव क्या है बोल दिया मैंने पी एच तो यही तो पी एच है यही पी एच है ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग था हमें बचपन में पता था टेंथ क्लास में कि लॉ माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव इज दिस तो वो क्यों लेते हैं वो यहाँ से आता है वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं ये टू पर माइनस फोर्टीन रहता है मतलब दोनों का सेवन सेवन माइनस तो मैंने वो वैल्यू मुझे नहीं पता चलती तो मैंने ऐसे करा

इंक्रीज ये वैल्यू बहुत इंक्रीज करती है जैसे जैसे के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी ठीक है सो so, इस चीज का ख्याल रखना है रफली आइडिया होना चाहिए अब मैंने बोला टेन रेज टू पर माइनस सेवन है टेन रेज टू पर माइनस सेवन तो ये तो किस पे है न्यूट्रल बट अगर टेन रेज टू पर माइनस सेवन मतलब सेवन है तो अगर इसकी वैल्यू सेवन से हो कम सेवन से और ज्यादा होती जाए माइनस सेवन से क्या हो जाए माइनस सिक्स हो जाए माइनस फोर हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है इंक्रीज करती जा रही है अगर एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी वो हो जाएगा एसिडिक और अगर ओ OH एच की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी वो बन जाएगा बेसिक वो बन जाएगा बेसिक एसिडिक न्यूट्रल एंड बेसिक ये हमें के डब्ल्यू की वैल्यू से पता चलता है ठीक है अगर मुझे मेरे पास वैल्यू होगी बहुत कम बहुत कम वैल्यू आ गई है मेरे पास टेरेस्ट टूपर माइनस सेवन से तो अब ये क्या है थर्टीन आ जाएगा लॉग लूंगी तो इसका तो थर्टीन क्या है मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक हो चुका है बहुत ज़्यादा बेसिक है ठीक है सो ये एसिड बेस इससे ही पी का कंसेप्ट आएगा हमारे पास अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है घबरा जाओगे देख कर बहुत आसान है इफ़ दंसेंट्रेशन ऑफ एच थ्री पॉजिटिव आयन इन प्योर वाटर इज टेरेस्ट टू पर माइनस सिक्स अगर प्योर वाटर में एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन माइनस सिक्स है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ओ एच नेगेटिव की कितनी होगी प्योर वाटर है मतलब एच पॉजिटिव अगर इतना है तो ओ एच नेगेटिव भी इसके इक्वल ही होगा उसमें कोई आइनाइजेशन नहीं होगी तो टेन रेज टू पर माइनस सिक्स इज दी ओनली आंसर कितना आसान था है ना अब ऐसे क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस ये क्वेश्चन भी देखते हैं आइनिक प्रोडक्ट वाटर का है टेन रेज टू पर माइनस फोर्टीन आइनिंग 90 डिग्री पे कितना होगा ये तो 25 डिग्री पे है ना हमारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बट -12, minus -14, माइनस देखो टेम्परेचर बढ़ने से के डब्ल्यू क्या करता है इंक्रीज इंक्रीज करता है वो ऑलरेडी टेमपरेचर पर माइनस फोर्टीन है तो ट्वेंटी सिक्सटीन फोर्टीन तो नहीं होगा उससे ज्यादा होगा टेनपरेचर पर माइनस ट्वेल्व तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है सिर्फ हमें कुछ मेहनत नहीं करनी अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए में मतलब दिमाग में आ जाता क्या क्या आंसर होगा ठीक है ये वैसा क्वेश्चन है ओके अब अगर इन सब चीजों की बात कर ली है तो पीएच कैसे पीछे रह जाती पीएच इज लाइक बैटरी का सबको पता है कि बैटरीज में सारी चीजें आपके अराउंड है आपको पता है वहां पर कहां पे बेसिक है कहाँ पर एसिडिक है सोप्स की बात करते हो नहाते हो फेस वॉशेस करते हो सब में बेसिस प्रेजेंट रहते हैं है ना? दूध पीते हो वो माइल्डली एसिडिक रहता है कॉफी है दैट इज एसिडिक वाटर पता ही है सबको ये जो तीन चीजें हैं ये सारी क्या है बेसिक इनकी पी एच की वन है देखो इसकी बैटरी की जीरो पी एच एसिड की वन पी एच विनेगर की थ्री मिल्क की है सिक्स ब्लड की है अराउंड एल्कलाइन रहता है थोड़ा सा टैबलेट्स जो लेते हैं वो एसिडिटी कम करने के लिए होती है तो टेन रहता है उनका नंबर तो ये पी है ये पी क्या बताती है कि कोई सबस्टांस कितना एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल होगा ओके और इसका सेम जो मैंने करवा दिया इसको हम क्या लेते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच पॉजिटिव यही लेते हैं हम ओके अब यहाँ पर अगर तो ये सेवन के इक्वल आ गया फिर तो न्यूट्रल है अगर एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन जो है माइनस सेवन गिवन है राइट right? अब अगर मेरे पास पी ओ एच निकालनी हो सॉरी यहां पर ये चीज का भी ख्याल रखना ये तो हम पी एच की बात कर रहे हैं अगर मुझे पी ओ एच निकालनी हो तो मैं क्या करूँ सपोज मुझे पी ओ एच निकालनी है सो so, वो क्या आएगा माइनस ऑफ लॉग ओ एच नेगेटिव माइनस ऑफ लॉग ओ एच नेगेटिव हो गया डन ये तो so, इसको हम पी ओ एच लिख देते हैं और इसको टोटल पता है हम क्या लिख सकते हैं पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू फोर्टीन फोर्टीन है ना ये फोर्टीन आएगा ऐसे तो कई बार क्या है आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता है कि ओ एच नेगेटिव की कंसेंट्रेशन इतनी है तो हमें बताइए पी एच कितनी होगी तो हमें ओ एच की कंसेंट्रेशन गिवन है पहले आपको पी ओ एच निकालनी पड़ेगी फिर फोर्टीन के इक्वल करना पड़ेगा फिर आपको एसिड सी वैल्यू आज आएगी ठीक है ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं ल का पता है लिटमस पेपर कैसे बिहेव करता है रेड रहता है एसिडिक साइड पे धीरे धीरे जाता है इस साइड को और ब्लू तक जाता है रेड टू ब्लू तो यहाँ पर ये लिटमस पेपर के थ्रू आपको कलर्स पता चल जाते हैं लेबोरटरी में तो इतने ज्यादा लिटमस पेपर यूज करते हो बट दिस इज जस्ट अ रफली आइडिया कि वो एसिड है या बेस ठीक है अब यहां पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर दिया मैंने बोला था ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने थे के की वैल्यू होगी टेन रेज टू पार माइनस थर्टीन और मैंने क्या बोला है कि H पॉजिटिव जो होगा वो ओ OH के इक्वल होना चाहिए सो so, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी हुई ये हुई मेरे पास अंड्रूड ऑफ के डब्ल्यू जो के गिवन है टेन रेज टू पर माइनस थर्टीन तो वो क्या आया टेन रेज टू पार माइनस थर्टीन को मैं क्या कर सकती हूँ टेन रेज टू पार सिक्स पॉइंट फाइव अब माइनस लॉग ले लिया मैंने इसका माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव तो ये कितना आया माइनस आगे आ गया तो सिक्स पॉइंट फाइव लॉग टेन है वो जीरो वन हो जाएगा तो ये आ गई मेरे पास पी एच तो पी एच वैल्यू कितनी आई है वैल्यू आई तो ये क्या बता रहा है कि टेम्परेचर जब मैंने इंक्रीज कर दिया है तो पी एच डिक्रीज कर गई पी एच डिक्रीज कर गई ठीक है के की वैल्यू इंक्रीज करेगी पीएच की डिक्रीज ऐसे ही अगर एसिड की दी हो तो वो केए लेते हैं और केबी लेते हैं उसके आगे भी हम पीकेए एंड पीकेबी वैल्यू यूज करेंगे थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। करेंगे हम आगे तो इस चीज का ख्याल रखना K value, -K के वैल्यू पीकेए वैल्यू के ऑपोजिट जाती है K value, -K के वैल्यू पीकेए वैल्यू के ऑपोजिट जाएगी अगर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच की वैल्यू कम होगी ऑपोजिट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पी एच ओ एच का रिलेशन मैंने आपको बता दिया दिस इज पी एच प्लस ठीक एच ये वही एक्सप्रेशन है पी एच ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर एन एच सोल्यूशन विल बी देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये बेसिक सोलूशन है तो हमें इसकी पीएच निकालनी है तो पी एच निकालने के लिए क्या करना है एनएच है इसकी मुझे ओ OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन दे रखी है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो वन इसका मैं लॉग ले लेती हूँ माइनस लॉग तो मेरे पास क्या आ जाएगा और यहाँ पे इसका लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ ओ नेगेटिव इट कम्स आउट टू बी लॉग ऑफ जीरो पॉइंट ज़ीरो वन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ लॉग ऑफ टेन एस टू पर माइनस टू सो यहाँ पर ये माइनस लॉग लेना है तो ये आ जाएगा प्लस टू लॉग टेन ये तो मेरे पास आ गई वैल्यू pOH एच की पीओ एच की वैल्यू आ गई मुझे क्या निकालनी है पी एच की वैल्यू तो पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू फोर्टीन पी एच क्या आएगी फोर्टीन माइनस पी ओ एच सो वैल्यू क्या आई फोर्टीन माइनस टू ट्वेल्व तो इसकी पी एच होनी चाहिए ट्वेल्व क्या कौन आंसर सी ऑप्शन कितना आसान सवाल था ऐसे ही करने हैं ठीक है आपको याद रखना है कि अगर टू वैल्यू आ रही होती तो वो टू तो एसिडिक नेचर में आ जाती तो इसकी वैल्यू ज्यादा ही आनी चाहिए ओके नेक्स्ट वेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन इन अ ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज दिस मच हाइड्रोजन पॉजिटिव की है इतनी कंसेंट्रेशन किसी कोल्ड ड्रिंक में टेन डेज टू पर माइनस थ्री तो आपको बतानी है इसकी पीएच कितनी होगी माइनस लॉग ऑफ थ्री पॉइंट एट इन टू टेन एज टू माइनस थ्री तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ थ्री पॉइंट एट माइनस थ्री लॉग टेन अब माइनस लॉग थ्री पॉइंट एट की वैल्यू कितनी होगी तो so, इसकी वैल्यू होगी जीरो पॉइंट फाइव एट और माइनस थ्री यहां पर है तो so, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आती है मेरे पास आएगी माइनस ये आएगी टू पॉइंट फोर 2.42 वैल्यू आ रही तो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं जो आप ड्रिंक करते हो इतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक तो वो एसिडिक होती हैं और जब वो एसिडिक कोल्ड ड्रिंक आप इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर लेते तो आपके जो दांत हैं वो एसिडिक मीडियम में करोड करने लग जाते हैं ठीक है सो अपने दांतों को बचाना है तो कोल्ड ड्रिंक पीना कम करना है ठीक है देन अब पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेसिस की बात आने वाली है ठीक है अब यहाँ पर एसिड एंड बेसिस के से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास नॉर्मली तो ये टेबल रहता है सारी पी का पता होना चाहिए जैसे मैं स्टार्टिंग में वो मैंने पिक्चर्स के साथ दिखाया अब एटलीस्ट कुछ चीजों का आइडिया हो जैसे मिल्क की पीएच इतनी रहती है ह्यूमन ब्लड की इतनी रहेगी कोल्ड सॉरी कॉफी की रहती है फाइव एनिवट सॉल्यूशंस की आपको प्रोवाइडेड रहेगी इन दी एग्जाम ओके तो जो एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए पी की कैलकुलेशन है कम्प्लीटली है हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ती बात प्रॉब्लम तब आती है जब हमें वीक एसिड और बेसिस की बात करनी है ओके okay, तो जब एसिड एंड बेसिस की बात आती है तो वो क्या करते हैं जैसे HCl है या NaOH है ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनकी तो बहुत आसान रहती है प्रॉब्लम आती है विद वीक एसिड एंड बेसिस यहाँ पर आप ये चीज लिख सकते हो कि आइनाइजेशन इसको हेडिंग को काट कर हम लिखेंगे आईनाइजेशन ऑफ वीक एसिड बेसिस वीक एसिड बेसिस मैंने बताया था ना कि वहां पर डिसोसिएशन होती है तो हमें बताना पड़ेगा कि ठीक है वो रेस फिनिश नहीं कर रहे बट कितनी रेस एटलीस्ट भागे कितना वो तो बताना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं लेट्स कंसीडर कि हमारे पास सी एच थ्री सी ओ ओ एच था ऐसे ब्रेक हो गया सी एच थ्री ओ नेगेटिव में प्लस एच पॉजिटिव में अब ध्यान से इस चीज़ को देखना जब टाइम ज़ीरो था इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास ये हंड्रेड परसेंट प्रेजेंट था बट ये जीरो थे मतलब सोचो घर से निकले नहीं हो अब मतलब घर पे हो अभी मम्मी ने बोला मार्केट जाना है और आपको हंड्रेड रुपीज़ दे दिए हंड्रेड रुपीज़ जब दिए तो आपके पास पूरे हंड्रेड रुपीज़ हैं अभी स्पेंड कितना करा जीरो जीरो कोई प्रोडक्ट नहीं बना बट इक्लिब्रियम पे आने के बाद पे आने के बाद आपका कुछ पैसा खर्च हो गया इक्वल इक्वल अमाउंट एक एक मोली बना अल्फा अल्फा तो यहां पर क्या आ जाएगा कितना बचा आपके पास सी माइनस सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं सी वन माइनस अल्फा ठीक है अब ये क्या हुआ जैसे आपने बाहर जाकर टेन टेन रुपीज स्पेंड कर दिए तो आप फिर कितने स्पेंड हुए ट्वेंटी रुपीज बट पीछे कितने बचे वो है हमारे पास टेन माइनस ट्वेंटी एटी नहीं लिखना है सच टेन माइनस ट्वेंटी कर दिया ठीक है अब इसके लिए मुझे लिखनी है इसी एक्सप्रेशन के लिए के की वैल्यू एसिड है तो एसिड के लिए लिख लेते हैं के ए तो वो क्या आएगी सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाय सी एच थ्री सी ओ एच यही है अब मैंने क्या निकाली मैंने यहां पर वैल्यूज निकाली है सो ये क्या आएगा सी अल्फ़ा सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी वन माइनस अल्फा अब सी अल्फा को मैं क्या कर सकती हूँ मल्टीप्लाई सी स्केयर अल्फा स्केयर सी वन माइनस अल्फा तो ये क्या हो जाएगा एक सी एक सी के साथ कैंसिल हो जाएगा कई बार बहुत ज्यादा वैल्यू जो है बहुत कम आती है डिसोसिएशन की वैल्यू तो नीचे वाली टर्म को हम वन ही ले लेते हैं मोस्टली बट अगर इसको ऐसे ही लिखना हो तो के की वैल्यू क्या आई सी अल्फा स्क्र बाय वन माइनस अल्फा और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ सी अल्फा स्क्र तो ये भी के की वैल्यू निकाल सकते हैं और अगर मैं अल्फा को इस साइड ले जाऊं तो वो क्या आ गया अंडरूट के बाई सी ओके तो हमें ये फॉर्मूलाज याद करने हैं बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल में डिट्टो ये मेथड यूज होने वाला है ये है मेरे पास के ए की वैल्यू के एक डिमेंशनल क्वांटिटी है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कितना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रोंगर दी एसिड स्ट्रोंगर दी एसिड स्ट्रोंगर विल बी दी के ए वैल्यू उतनी ही ज्यादा इसकी वैल्यू होगी अब यहां पर मुझे ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब डिसोसिएशन लेस देन फाइव परसेंट होगी फिफ्टी परसेंट फाइव परसेंट है ऐसे लिख लो फाइव परसेंट ठीक है अगर इससे ज्यादा होगी फिर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला फिर आप इस फैक्टर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते अदरवाइज यू कैन ठीक है ये है के ए के लिए सेम डिटो चीज के बी के लिए होगी सेम डिटो चीज के बी के लिए होगी मतलब जैसे मेरे पास अमोनिया की डिसोसिएशन हो अमोनिया की डिसोसिएशन हो तो वो क्या बनाएगा एनएच पॉजिटिव प्लस ओ नेगेटिव राइट ये होगा यहां पर इनिशियली जब टाइम जीरो था अब थोड़ा फास्ट करवाऊंगी टाइम जीरो था तो ये कितना प्रेजेंट था सी और ये कितना हो चुका है ये लिक्विड है तो कंसीडर नहीं करेंगे सी अल्फा सी अल्फा तो इधर क्या बचा सी माइनस सी अल्फा और ये एट इक्लिब्रियम तो यहाँ पर के बी की वैल्यू डिटो सेम आएगी के ए की जगह के बी आ गया तो चाहे के ए हो चाहे के बी हो फॉर्मूला सी अल्फा स्क् अल्फा ही रहेगा अल्फा की वैल्यू आती है 0 0 तो परसेंटेज बतानी होती है तो उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके हम बताते हैं लाइक दिस ओके अब ये तो होगी के ए एंड के बी की वैल्यू value. ये वैल्यूज होती है बहुत कम जैसे इनकी वैल्यू होती है माइनस में टेन टू पर माइनस फोर्टीन टेन टू पर माइनस एटीन तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं पी के पी के बी वैल्यू ये क्या करेगी माइनस एटीन को क्या कर देगी एटीन बताएगी तो जितनी कम वैल्यू होगी पी के इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड और बेस एसिड और बेस और के ए की वैल्यू माइन पी के ए वैल्यू जो कि हम कैसे निकालते हैं माइनस लॉग ऑफ के ए या माइनस लॉग ऑफ पी के बी ले लेते हैं ठीक है तो जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतना ही वो स्ट्रोंगर एसिड अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा तो उतना ही वो वीकर एसिड ऐसे रहेगा रिलेशन ठीक है हम ये इसीलिए लेते हैं जिस लाइक पीएच के केस में लिए कि बहुत कम है टेन एस्टू पर माइनस फिफ्टीन टेन एस्टू पर ट्वेंटी फोर की टर्म में जानना ठीक है अब ये तो मेरे पास आ गई वैल्यूज अब हमें बताना है रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी दोनों को हम रिलेशन रिलेट कर देंगे और इतना इंटरेस्टिंग सा एक्सप्रेशन आने वाला है लेट सी इट हमारे पास सपोज अमोनियम आयन है और इसको मैंने पानी में डाला तो ये पानी से क्या करेगा ये वहां पर वाटर जो है एच थ्री ओ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये एन एच थ्री में राइट right? अगर मैं पैरेलली ये दूसरा रिएक्शन दिख लूँ जिसमें अमोनिया क्या कर रहा है एज अ बेस ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा एनएच फोर पॉजिटिव प्लस एच नेगेटिव ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास अब मैं दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिख लेती हूं के के तो के एक्सप्रेशन क्या आएंगे यहां पर के आएगा एच थ्री ओ पॉजिटिव एनएच थ्री डिवाइडेड बाय एन एच ओर पॉजिटिव एच थ्री पॉजिटिव या मैं इसको एच पॉजिटिव भी लिख सकती हूँ कोई बात नहीं अगर इस साइड में कर दूं के वैल्यू इस एक्सप्रेशन के लिए क्या आएगी एच है जो लिक्विड में है तो मैं इसको नहीं लिया नीचे इधर क्या आएगा पॉजिटिव फोर पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव नेगेटिव डिवाइडेड बाय एन एच थ्री ये एक्सप्रेशन आ गया ना मेरे पास अब अगर इसको मैं लिख लूं के ए और इसको मैं लिख लूं के बी अब मैं इन दोनों को क्या कर दूं मल्टीप्लाई के ए को के बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टर्म्स क्या आएंगी मेरे पास आएगा एच पॉजिटिव इसको एच थ्री पॉजिटिव को मैं H भी लिख सकती हूँ एन एच थ्री एन एच थ्री डिवाइडेड बाई एनएच फोर मल्टीप्लाईड बाई दिसम एन एच फोर पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाई एनएच थ्री अब देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है अब हमें बस इनको कैंसिल करना है क्या-क्या कैंसिल होगा यह NH3 इसके साथ कैंसिल यह NH4 इससे NaOH के साथ कैंसिल पीछे क्या बचा मेरे पास लास्ट में ये चीज बचती है H पॉजिटिव OH नेगेटिव और ये क्या था मेरे पास KA एंड मल्टीप्लाइड बाय KB तो KA मल्टीप्लाई KB करने के बाद क्या आया किसी को पता है कमेंट सेक्शन में बताओ किसके इक्वल है ये दिस इज इक्वल टू के डब्ल्यू तो ये आइनिक प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है दिस बिकम्स इक्वल टू आइनिक प्रोडक्ट ठीक है के ए को के बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो वो आइनिक प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है कितना इंटरेस्टिंग सा है मैंने दोनों के कांस्टेंट को लिखा मल्टीप्लाई करा मेरे पास ये आ गया कलरफुल सा करके लिखा है समझ में आ जाना चाहिए ठीक है सो so, अभी तक हमने क्या करा कि पी एच हो जाती है

ये एक ही वैल्यू गिवन है हमें बताना है कि इनकी स्ट्रेंथ कैसी है तो पहली वैल्यू जो है एच की सी नेगेटिव की टेन एस टू पर माइनस टेन वो सबसे कम है सबसे कम वैल्यू है सेकंड जो है हमारे पास एच की वैल्यू है माइनस फोर एंड एच एन टू नेगेटिव की वैल्यू है उससे भी ज़्यादा तो ये है हमारे पास डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट तो उसका ऑपोजिट रहेगा तो कौन सा वाला पॉसिबल है एफ नेगेटिव ये वाला Minus 4 है, इसकी value minus और minus 4 किसकी ज़्यादा है? है है कम है value acid की, HF की की, हमारे पास तो क्योंकि वो हमें acids की dissociation दी है और हमें पूछा है बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी इसीलिए मैंने जो सबसे कम वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा होगी सी एन की सबसे हाई ओके सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं अब कैलकुलेशन वाले पार्ट्स हो गए हैं ओवर अब थोड़ी सी ट्रिकी चीजें आने वाली हैं जैसे मेरे पास आएगा पॉलीप्रोटिक एसिड एंड देयर पीएच कैलकुलेशन पॉलीप्रोटिक क्या होंगे कुछ ऐसे एसिड जिनके पास ज्यादा एच पॉजिटिव आयन रहते हैं जैसे एच टू एस ओ फोर दो हो गए सिंगल नहीं दे रहा अगर मैं इसकी बात करूँ इसका फॉर्मूला क्या है एच कितनी एच है वन टू थ्री पी कितनी है One, two, three, एच थ्री पी ओ फोर इसके पास देखो थ्री एच है थ्री एच है इसके पास तो अब ऐसे केसेस में हम कैसे पी एच कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे केसेस में हमारे पास दो स्टेप होते हैं देखो पहले केस के अगर मैं ध्यान से देखूं, इस केस में क्या आया मेरे पास एच पॉजिटिव जो है ये एच पॉजिटिव पहला निकला और मेरे पास बन गया एच एस ओ थ्री दूसरे स्टेप में एच एस ओ थ्री जो है यहां पर दोबारा से डिसोसिएशन कर रहा है और एक और एच निकल रहा है तो दो रिएक्शन हुए दो स्टेप्स में के ए वन के ए टू। अब क्या आप ध्यान से देख सकती हो इनको कि ये दोनों वैल्यूज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है पहली के की वैल्यू बहुत ज्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड बट दूसरे में आकर वैल्यू कम हो चुकी है ऐसा क्यों हुआ दूसरे में आकर वैल्यू कम क्यों हो गई दूसरे में आकर वैल्यू इसीलिए कम हुई क्योंकि पहले स्टेप में अब यहां पर इसका concept, टेबल वाले चैप्टर ले जाओ उससे एक निकली, ह2, से एक एच एच निकली से निकल चुकी है सो तो पर अब क्या चार्ज डेवलप हो गया एच एस ओ थ्री से इलेक्ट्रॉन निकालना एक मुश्किल काम हो जाता है ठीक है अब यहां से स्पीशीज से इस स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकालना बिकम्स डिफिकल्ट तो के ए की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि एसिड क्या है जो इजीली एच पॉजिटिव दे दे अगर वो डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है दैट इज़ नॉट अ गुड एसिड अब अगर मुझे इसकी टोटल के की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा दोनों को मल्टीप्लाई ओके सो अगर मेरे पास ये ऐसे दे दिया है कि दो एसिड हैं एच ए एच टू ए दोनों की मुझे वैल्यूज गिवन है के ए वन भी गिवन है के ए टू भी गिवन है

ओके okay? सो so, ये आंसर है बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है और ये समझना है सेकंड स्टेप की हमेशा कम होगी और ये आगे जाके बार-बार आने वाला है आपके ठीक है आगे आने वाले चैप्टर्स में नेक्स्ट क्या रिलेशन है बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हमें पता है पहला जक होगा वो ज्यादा होता है पहले की वैल्यू ज्यादा होगी दूसरे से सो बी इज द राइट आंसर है ना इतना आसान सा क्वेश्चन अब यहीं पर आता है हमारे पास कॉमन आइन इफेक्ट कॉमन आइन इफेक्ट एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है कॉमन आइन इफेक्ट क्या कहता है कि जब ऑल सेम टाइप के आइन्स प्रेजेंट हो सोल्यूशन में तब रिएक्शन बैकवर्ड होना शुरू हो जाता है जैसे यहां पर देखो मेरे पास एन एच थ्री था पानी डाला सल्यूशन में अमोनियम आयन बन गए अब अगर मैं उसमें एन एच फोर डाल दू एनएच फोर सी एल डाल दूं तो क्या होगा सेम काइंड ऑफ आयन बढ़ गए सेम काइंड ऑफ आयन बढ़ गए ये तो पहले ही वीक एसिड था पी वीक बेस था अब आगे और वीकर बन गया जब सेम सा डाल दिया क्यों हुआ अब देखो प्रोडक्ट साइड में कंसेंट्रेशन बढ़ गई है और हमें ली चैटियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब ऑपोजिट करना है इक्विलिब्रियम पेस इक्वल रहना चाहिए अगर ये बढ़ रहा है तो रिएक्शन बोलेगा नहीं रिएक्टेंट तो कम हो गए चलो पीछे डायरेक्शन बैकवर्ड हो जाएगा डायरेक्शन बैकवर्ड हो जाएगा बैकवर्ड मतलब अब हमारे पास अनडिसोसिएटेड ज्यादा रहेगा तो ये क्यों हुआ क्योंकि कॉमन आयन आ गया कॉमन आयन ने आकर ये चीजें खराब कर दी जब भी कॉमन आयन होगा वो हमेशा खराब करेगा आकर ऐसे ही अगर CH3OH है ये डिसोसिएट करके क्या बना रहा है CH3COO- H+ -positive. अगर मैं इस सॉल्यूशन में क्या कर दूं एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं सपोज मैंने एक्सएल डाल दिया वो क्या करेगा एच पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव इस साइड ज्यादा हो गए गए पॉजिटिव आयन दिस साइड ज्यादा हो तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा रिएक्शन बैकवर्ड आएगा मतलब अनरिएक्टेड मटीरियल बनता जाएगा और प्रोडक्ट कम ये कॉमन आयन की वजह से तो इसकी डिसोसिएशन और कम हो गई हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तो ठीक है मतलब वो तो एक ऑलरेडी एक वीक बच्चा था अब मैंने सोचा कि ये तो पढ़ने में बहुत नलायक सा है या अच्छे से नहीं पढ़ रहा तो मैं क्या करती हूँ मैं इसको अच्छे बच्चों की संगत में बिठाती हूँ बट जैसे ही मैं इसको अच्छे बच्चों के साथ बिठा रही हूँ जो कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं अब ये उनके साथ बैठकर और लो फील कर रहा है और लो फील कर रहा है और इसके लो फील करने का कर मतलब अद क्या है ऐसा नहीं है कि ये एसिड है मतलब रेस में भागना ही नहीं था इसे सपोज आप देना चाहते थे जेई का एग्जाम और मैंने आपको धक्के से बोला कि नीट का एग्जाम दो नीट की तैयारी करो अब आप तो नहीं करना चाहते हो You don't want to do that. आपकी फैमिली चाहती है, तो आप वो धक्के से अब धक्के से 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 कर कर रहे हो। अब अब करने आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने में, मैंने फिर भी आपको मेहनत करने के लिए बिठा दिया कि चलो जो नीट के टॉपर है उनके साथ बैठो उनके साथ बैठकर आपको और बुरा लग रहा है कि मुझे तो जय क्रैक करना था मुझे तो नीट में आना ही नहीं था और नीट वाले बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सो so, ये इसके साथ हुआ तो हम शुरू से इसको वीक वीक बोल रहे हैं बट हमने इसकी चॉइस ही नहीं पूछी कि तू बनना भी चाहता है एसिड या बेस तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो ठीक है ये कॉमन आइन में बैठाने में ये फिर से वापस वैसा हो गया कि अब नहीं मैं तो जो थोड़ा बहुत कर भी नहीं था वो भी नहीं कर रहा आप ये कॉमन आइन इफेक्ट है ठीक है रीड भी कर सकते हो वेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ अल्यूशन विच अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉमन आयन फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है वो फर्दर डिप्रेस हो जाती है डिप्रेशन आ गया है उसको ठीक है अब जैसे हम ये केसेस लेते हैं तीन केसेस की बात करते हैं पहला केस लेंगे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड कौन सा होगा मेरे पास सी एच थ्री सी ओ ओ एंड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एन ए तो ये किससे मिलकर बना है ये बना है सी एच थ्री सी ओ एच ओ OH एच से ये इनसे मिलकर बना है अब सोल्यूशन में क्या होगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच जो है वो डिसोसिएट कर रहा होगा इस साइन में राइट right? बट साथ के साथ ये पानी में और क्या करेगा ये पानी में पानी के साथ ये नेगेटिव आइन पानी के साथ मिलकर क्या करने वाले हैं फिर से एसिड बनाने वाले हैं एच बना दिया पानी से लेकर एच बना दिया पीछे क्या बचा ओ एच नेगेटिव ओ एच नेगेटिव बचा अब इधर भी एन एच से भी ओ एच नेगेटिव इससे भी एन ओ एच OH ज्यादा बेसिक तो इसका नेचर क्या होता है बेसिक तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का कंसेप्ट लेते हो तो वो बेसिक इसीलिए होता है क्योंकि डिसोसिएशन के बाद भी वो पानी के साथ रिएक्ट करके सेम बनाता जाता है अनरिएक्टेड ही बनाता जाएगा ठीक है तो इसको याद रखने का तरीका ऐसा भी है कि अगर सपोज करो घर में पापा ज्यादा नहीं बोलते और मम्मी की बहुत ज्यादा चलती है है ना मम्मी बहुत ही ज्यादा वो हैं जो बहुत ही अग्रेसिव रहती हैं और पापा बहुत ही काम से पर्सन है और आप कैसे बने आप जैसे मम्मा हैं जैसे मम्मा क्या है अग्रेसिव तो आपके में एक का ट्रेट आया तो वो किसकी वजह से आया बिकॉज जो स्ट्रोंग है उसी का आ गया ठीक है अब अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए एंड वीक बेस आ जाए कुछ ऐसा कंसेप्ट जैसे कि एन एच फोर सी एल का कंसेप्ट आ जाए तो ये किससे मिलकर बना है NH3 थ्री प्लस एच सी एल से इससे मिलकर बना है तो अब क्या होगा पानी में जाकर होना क्या है ना अमोनिया जो है ये क्या करता है इसमें कन्वर्ट होता है NH4+ फोर पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव ये तो ऐसे बिहेव करता है अब ये पानी में क्या कर रहा है फिर से ये पानी के साथ ही कंबाइन करके क्या बना रहा है NH4H+ फोर एच पॉजिटिव और ये एच पॉजिटिव रिलीज कर रहा है अब पानी में एच पॉजिटिव ज्यादा हो गए एच सी एल भी ला रहा है एच पॉजिटिव तो नेचर कैसा होगा एसिडिक तो नेचर क्या होगा एसिडिक एसिडिक नेचर होगा ठीक है तो इस चीज का ख्याल रखना है अब अगर मेरे पास दोनों ही वीक हो दोनों ही वीक मतलब जैसे कि सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव एन एच फोर पॉजिटिव दोनों ही वीक वीक से आ गए तो इस केस में हम ये वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं करते फिर हमें पी के ए एंड पी के बी वैल्यूज को कंपेयर करके कैलकुलेशन करनी पड़ती है ठीक है तो ये कॉमन आयन इफेक्ट हमें इन चीजों की ये एप्लीकेशन बोल सकते हैं कैसे सोल्ट की हाइड्रोलाइसिस होती है और उनकी पीएच कहां लाई करती है ओके दिस इज हाउ यू डू इट अब अगर मेरे पास ये दे रखा है कि फॉलोइंग्लिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है इफ फिर क्या होगा एच सी एल की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगी नहीं आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगी इक्लिब्रियम डिक्रीज विल इंक्रीज देखो मैंने एच सी एल डाल दिया सेम एग्जाम्पल है तो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन इस साइड बढ़ जाएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो एसीटेट आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी कॉमन आयन इफेक्ट ठीक है अब बात यह है कॉमन आयन इफेक्ट के बाद ये क्या है हमने सबने देखा हुआ है ब्लड देखे नहीं हुए बट पता है ये है ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में इसका क्यों मैंने ऐड करा आप कुछ भी खाते हो कुछ भी खाओ आपने चाहे कोल्ड ड्रिंक पी ली बहुत ही एसिडिक है है ना आपने क्या करा आपने बहुत ज्यादा कॉफी पी ली कॉफी भी एसिडिक है दूध पी लिया वो भी एसिडिक है है ना ये सारी चीजें एसिडिक है इतनी एसिडिक चीज़ें खाते हो तो आपकी बॉडी में जा रही हैं ब्लड है अंदर तो क्या ब्लड इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा ना तो आपकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा चाहे आप बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें कंज्यूम कर लो या चाहे आप बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें कंज्यूम कर लो आप सॉल्ट कंज्यूम करते हो कुछ भी दुनिया भर की चीजें खाने के बाद आपकी बॉडी का जो ब्लड है उसकी पीएच कितनी है स्लाइटली एल्कलाइन थोड़ी सी एल्कलाइन थोड़ी सी बेसिक है वो उतनी ही रहती है तो ये कंसेप्ट साइंटिस्ट को बहुत अच्छा लगा उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं ऐसे सोल्यूशंस बनाते हैं जो कि बाकी इन्वायरमेंट से इफेक्ट ना हो उनकी पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए है ना तो अगर मेरे पास एसिड है जैसे मैंने एच में थोड़ा सा एन NaH डाल दिया तो मुझे पता है वो एक पॉइंट पे आके न्यूट्रल होकर एनए सी बना देता है प्लस वाटर निकल जाता है बट ऐसा ये तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और के केस में बट मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो पीएच चेंज हो ही ना रेजिस्ट कर दे तो वो होते हैं बफर सोल्यूशन बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पी ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और एल्फलीन सो so, इसके लिए हमें याद रखनी है हैंडरसन हैसल बेच इक्वेशन जो कि बहुत ही ज्यादा आपके पास बार बार यूज होगी जब आप आई या नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो ये इक्वेशन क्या है पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय एसिड तो ये इक्वेशन में पी एच और पी के वैल्यू ये एक्सप्रेशन एज इट इज करना है आपको पी एच निकालने के लिए आ जाती है कि एक हमने बफर सोल्यूशन बनाया है उसमें कंसेंट्रेशन ये ये है आप हमें उस सोल्यूशन की पी एच बताओ और जो वो पी एच बन जाएगी अब वो चेंज नहीं होगी कुछ भी एड या रिमूव करने पर अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो ये टर्म क्या हो जाएगी वन लॉग वन आ जाएगा और ये पूरी टर्म क्या हो गई जीरो तो पी एच वैल्यू के इक्वल कब होगी जब ये रिएक्शन इक्लिब्रियम में आ जाएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी ठीक है so, ये ये इसमें इसमें ज़्यादा में नहीं है, है, सिर्फ अभी तक हमें ये करना ठीक है बफर सोल्यूशन का जो आइडिया रखना है आपको ओके okay? बफर हो सकते हैं हमारे तीन तरह के एसिड बेसिक एंड स्ट्रॉन्ग और सॉल्ट काइंड ऑफ अब ये देखो सोल्यूशन हमेशा ऐसे बनेगा एक वीक एसिड लोगे उसमें उसका सॉल्ट डालोगे एक स्ट्रॉन्ग बेस का जैसे एसिडिक एसिड में सोडियम एसिटेट डालो इस केस में अगर आप एक वीक बेस ले रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेना पड़ेगा स्ट्रोंग एसिड का इसमें दोनों ही वीक लेने पड़ेंगे ठीक है तो ये तरीका है कि ये कैसे बनते हैं अब उसके अकॉर्डिंगली आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लोगे और ये क्वेश्चन में वैल्यूज डाल दोगे ठीक है ये बफर सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं

राइट ऑप्शन ओके अब डन दिस वन अब ये बफर सोलूशन पी की बात खत्म होती है अब बात आती है सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की सॉलिबिलिटी क्या है पानी में नमक डालते ही इतनी आसानी से वो घुल जाता है बट अगर मैं बात करूं आ, रेत की सैंड है सैंड को पानी में डालती हूं क्या वो डिजोल्व हो जाती है नहीं होती ना बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होती तो कुछ चीज़ें पानी में बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाती हैं जैसे कैल्शियम के जो सॉल्ट हैं वो तो हाइग्रोस्कोपिक भी रहते हैं कि बाहर भी रख दो तो वो मॉइस्चर भी अपटेन कर लेते हैं बहुत ज़्यादा फिनिटी है पानी के लिए तो ऐसी कुछ चीज़ें हम क्लासीफाई कर देते हैं कि कुछ हो जाती है बहुत ज़्यादा सोलीबल कुछ है स्लाइटली सोलिबल एंड कुछ है स्पेरिंगली सोलबल स्पीशीज़ हमारा कंसेप्ट रहेगा स्पेरिंगली सोलिबल जो कि बहुत ही कम डिज़ोल्व होती हैं पानी में क्या? ऐसे स्पीशीज की हम बात करने वाले हैं सो so, वहां पर आएगा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमारे सिनारियों में जैसे हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं यहीं पर इसको समझने के लिए डिसोसिएट कर रहा है ये सॉलिड है पानी में डिजॉल्व करने पे, ये एक्वस एक्वस में डिसोसिएट कर गया एकौस -एकौस में। तो के वैल्यू क्या होगी दैट इज बी ए टू पॉजिटिव एंड एस ओ फोर टू नेगेटिव अब मैंने एस ओ फोर को क्यों नहीं लिया ये वहां पर सॉलिड स्टेट में है और अगर ये इसकी मैं ले लू सॉलिबिलिटी एस है इसकी सॉलिबिलिटी एस है तो ये क्या हो जाएगा के एस पी के एस पी है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और ये किसके इक्वल आता है एस स्क्र के तो मुझे अगर सॉलिबिलिटी निकालनी होगी कितनी है तो एस इज एस स्केयर इज इक्वल टू के एस पी एस इज इक्वल टू अंडरूड ऑफ के एसपी समझ में आया मैंने क्या करा तो ये मैंने इनकी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाला है प्रोडक्ट ओके दिस इज हाउ यू कैलकुलेट सपोज आपके पास एक जनरल इक्वेशन दी हो कि इनिशियली कुछ भी नहीं प्रेजेंट था और फाइनली हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जनरली यू राइट इट लाइक दिस ओके जनरली आप इसको ऐसे लिख लेते हो बट डोंट गो विद दिस रिमेंबर दिस मेथड दैट जो मैंने डाला है ओके okay? ये आगे आपके पास किस काम आता है ये आगे जाकर आपको जहाँ पर आप सॉल्ट एनालिसिस वगैरह करते हो कॉमन आइन इफेक्ट के जो यूजेस हैं उसमें आ रहा है ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या करता है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हेल्प करता है जो कि टोटली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है उससे लेना देना नहीं है बस वन शॉर्ट वीडियो के हिसाब से ये एक एक्सप्रेशन है जो अगर आप एकदम से ख़त्म करना चाहते हो इस पार्ट को सो बस ये बात याद रख लो एस की वैल्यू के की वैल्यू बार बार निकालने के लिए आएगी और वही इंपॉर्टेंट है ओके okay, तो अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है जो कह रहा है के एस पी इतना और हमें उसकी कंसेंट्रेशन बतानी है एम टू पॉजिटिव की तो एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं एम एक्स इज टू इक्वल टू एम टू पॉजिटिव प्लस टू एक्स नेगेटिव और एक्सप्रेशन जो हमें पीछे लिखा है उसके हिसाब से एक्सप्रेशन ऐसा आना चाहिए ध्यान से देखना ये अगर s है इसका आ जाएगा 2s एस बट स्केयर क्योंकि ये पावर में भी जाएगा सो तो ये किसका इक्वल है के एस पी के और के एस पी किसका इक्वल आ गया 2 ये आएगा 2 इंटू टू फोर फोर एस क्यूब फोर एस क्यूब का इक्वल आ गया एंड मुझे के एस पी की वैल्यू कितनी गिवन है के एस पी की वैल्यू गिवन है 4 इंटू टेन इज टू पार माइनस ट्वेल्व अगर ये 4 है ये नीचे आ जाएगा इधर बचा s का क्यूब फोर से फोर कैंसिल क्या बचा एस क्यूब इज इक्वल टू टेन रेस टू पार माइनस ट्वेल्व अगर एस का मुझे निकालना हो इसका टेन रेस टू पार माइनस ट्वेल्व का क्यूब वन बाई थ्री सो ये क्या आना चाहिए फोर फोर ये आएगा टेन रेज टू पार माइनस फोर तो कोई ऐसी वैल्यू है यस टेन रेज टू पार माइनस फोर तो इस एक्सप्रेशन को याद रखना है ऐसे ही हमेशा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेशन होगी इसके अलावा इस पार्ट से कुछ भी नहीं पूछेंगे वो ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट के एस पी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अब सॉलिबिलिटी को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं जैसी थोड़ा सा भी कोई और सॉल्ट प्रेजेंट हो कॉमन नाइन इफेक्ट कॉमन नाइन इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे कोई भी सिमिलर सा सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो वो वापस से होना शुरू हो जाएगा जैसे एन ए सी एल अगर है अगर मैं एनए सी एल को ले रही हूँ प्लस उसमें मैं मिक्स कर दूं एक्ससीएल एन को एच से मिक्स कर दूं तो उसमें कॉमन आइन कौन कौन से होंगे क्लोरीन क्लोरीन तो एन बार बार प्रेसिपिटेट होता जाएगा एनए बार बार प्रेसिपिटेट होता जाएगा तो ये हेल्प करता है कि हमारे पास प्योरिफाइड फॉर्म आए बार बार वही चीज प्रेसिपिटेट करेगी जो प्रेसिपिटेट करती है वो प्योर रहती है तो ये कॉमन आइन की वजह कॉमन आइन कौन है इनके बीच में क्लोरीन एंड क्लोरीन ठीक है सो दिस हेल्प्स इन सेपरेटिंग ऑफ सॉल्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट कॉमन आइन इफेक्ट ठीक है बट विद दिस हमारा चैप्टर खत्म होता है इतना लंबा चैप्टर था वैसे तो इसके दो पार्ट बनने चाहिए थे केमिकल एक्लिब्रियम एंड आइनिक एक्लिब्रियम बट हमने दोनों एक साथ ही खत्म कर दिए हैं अब लिख लेते हैं समरी के पूरे चैप्टर में है क्या हमने शुरू करें दो पार्ट कर लेते हैं हम ही कर लेते हैं केमिकल एक्लिब्रियम एंड आइनिक एक्लिब्रियम केमिकल में जो याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले मैं वो बता देती हूँ आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ली प्रिंसिपल। ली प्रिंसिपल प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओके okay, इस चीज को जितना कर सकते हो उतना कम है ली चैटलियर प्रिंसिपल करना है हमने अपनी क्लास स्टार्ट करी थी कल विद करेक्टर ऑफ एक्लिब्रियम करेक्टर ऑफ एक्लिब्रियम में क्या आएगा जैसे कि क्लोज कंटेनर लेना है या रिवर्सिबल रिएक्शन ही होगा या हमारे पास जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल ही होना चाहिए डायनेमिक्लिब्रियम रहता है वो सारी चीजें फिर हमारे क्लिब्रियम को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं वो हमने ली एटलियर प्रिंसिपल में करा था अब आती है बात आइनिक क्लिब्रियम की इसमें पी बफर के नूमेरिकल्स के ए के बी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है यहां पर हमने के की कैलकुलेशन वगैरह शुरू करी थी फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं के की वैल्यू को जैसे कि हमारे पास ये बताएगा क्यू के वैल्यू अगर प्रिडिक्शन करता है डायरेक्शन बताता है एक्लिब्रियम की और बताता है रिएक्शन कितना एक्लिब्रियम में प्रोडक्ट साइड है कितना रिएक्टेंट साइड है इस साइड बात करूं तो हमें करनी है बफर सोल्यूशन की बहुत अच्छे से बात पी के हैंडलसन इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स कॉमन आइन इफेक्ट एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट्स के न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसके साथ डेल्टा जी का एक्सप्रेशन करा था वो ज्यादा जरूरी नहीं है बट ये पूरा चैप्टर बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है सारे एग्जाम्स में और इसके जो क्वेश्चंस करते हैं ये आगे आने वाले ट्वेल्थ क्लास के टॉपिक्स में भी बार बार यूज होंगे सो प्लीज पे अटेंशन टू दीज थिंग्स अच्छा एक पॉइंट तो बोली गई एसिड बेसिस एसिड बेसिस की थ्यूरीज बहुत ही आसान सा टॉपिक है बहुत आसान सा टॉपिक इसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आती हैं वो चीज़ें ऑलरेडी बट आज के लिए बस इतना ही इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के साथ बट मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा एंड इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना प्लीज लेस देन 200 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है 200 हंड्रेड प्लस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दीज टॉपिक्स जो मैंने लिख दिए हैं बट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी बाय बाय